चलिए गाइस, अगला टॉपिक लिखिए जिसमें ओएच बॉन्ड क्लीवेज होगा, दैट इज एस्टरीफिकेशन। लिखिए एस्टरीफिकेशन, ठीक है, एस्टर बनाते हैं ना, एस्टरीफिकेशन। सो इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम सिंपल भी है, एस्टरीफिकेशन। ठीक है, चलिए, एस्टरीफिकेशन मतलब एस्टर की फॉर्मेशन। अल्कोहल का रिएक्शन जब हम एसिड या उनके डेरिवेटिव से कराते हैं तो वो एस्टर देते हैं आउटपुट में, ठीक है। सो देखिए जरा ध्यान से, और उस केस में भी अल्कोहल में ओएच बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि मैं यहां पर ले रहा हूं एक कोई भी एसिड। मैं आपको क्लियर करता हूं, एसिड का रिएक्शन जब आप अल्कोहल से करवाते हैं, मैं यहां लिख देता हूं पहले जनरल वे में, तो आपको एस्टर मिलता है, ठीक है। लेकिन ये एस्टर ऐसी नहीं मिलता, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए कि मैंने लिया यहां पर आर सी ओ एंड देन ओ एच, ये हो गया एसिड, ये तो हम सब जानते हैं। इसका रिएक्शन आपको करवाना है अल्कोहल से। अल्कोहल क्या होता है, एच ओ आर होता है, सिंपल है। लेकिन ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक तो ये रिवर्सिबल होगी, ठीक है, दूसरा आपको इसमें एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर एसिड की प्रेजेंस में होगी, तो मैं इसके आउटपुट नीचे लिख रहा हूं, ये रिएक्टेंट लिख दिया मैंने, यहां पर ये एसिड है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, अल्कोहल है, मैंने यहां लिख दिया, सबको समझ में आ रहा है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो आपने बड़ी कॉमनली जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो बनने वाले हैं यहाँ पर प्रोडक्ट वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रोडक्ट बनने का सेंस क्या, जरा चेक करो। यहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा कि ये ओएच बॉन्ड क्लीवेज होगा, क्लियर हो गया। कई बार ऐसा सोचने लगता है लोग कि ये तो एसिड है तो ये तो एच प्लस देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये देता है एच प्लस और यहाँ से ओ एच माइनस बाहर निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, और ये हमको मालूम कैसे पड़ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर O18 एक आइसोटोप होता है ऑक्सीजन का, उसको इस्तेमाल करते हैं, O18 जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो मालूम पड़ा एक्सपेरिमेंटली कि O18 यहां से अल्कोहल वाले हिस्से के साथ ही था, समझ में आ गया, इस RO से जुड़ा हुआ था, जिससे हमें इंडिकेशन मिल गया कि यहां पर ये OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है यहां पर, बजाय कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज के, ठीक है। ये ऑक्सीजन स्पेशल है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो स्टार वाली ऑक्सीजन मैंने ली है, दैट इज O18, जो कि एक रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, ठीक है, जो इंडिकेट करती है कि ये यहां पर बॉन्ड का क्लीवेज किधर होता है, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन इन द केस ऑफ एल्कोहल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया सब लोगों को, जो इटसेल्फ इंडिकेट करती है कि यहां पर OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। और ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये आर ओ के साथ ही थी, क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब सीन कुछ ऐसा है कि यहां से निकल चुका है पानी, तो वाटर बनेगा, और साथ में जो चीज बच रही है उनको जोड़ दीजिए। तो यहां पर क्या क्या बच रहा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद ओ एंड देन आर, ये वो है आपके पास ओ एटीन, ठीक है, एक आइसोटोप है ऑक्सीजन का, क्लियर होता है सब लोगों को। सो यहां पर ये वो बना हुआ है, ठीक है, सो यहां से इंडिकेट हो रहा है साफ साफ। अब मजे की बात देखिए, ये है एस्टर, और अगर आप चाहते हैं कि एस्टर कंटिन्यूसली बने, तो यहां से आपको वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमूव द वाटर, अदरवाइज क्या होगा, रिवर्सिबल है, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। सो आपको फटाफट से यहां पर रिमूवल ऑफ वाटर भी साथ में करना पड़ेगा, ली कैटलियो प्रिंसिपल के हिसाब से, तो बड़ी कॉमन सी चीज है, तो ली कैटलियो प्रिंसिपल के हिसाब से रिमूवल करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, एसिड और अल्कोहल से यहां पे एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि यहां पर सिर्फ एसिड ही नहीं, एसिड के डेरिवेटिव भी क्या कर सकते हैं, यहां पर एस्टर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि एसिड का डेरिवेटिव ले लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। सपोज कीजिए कि यहां पर मैंने लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी एच थ्री C डबल बॉन्ड O, देन O, यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3, इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। मैं लिख देता हूं, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, सो दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। चलिए, सो फाइनली एसिड एनहाइड्राइड से भी आप क्या बना सकते हो, एस्टर बना सकते हो। यहां पर लिखा है CH3 COO CO CH3, क्लियर हो गया। इस ऑक्सीजन के ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन के इस तरफ और इस तरफ मैंने यहां पर क्या कर रखा है, CH3CO ग्रुप को जोड़ रखा है।
अब यहां से इसका रिएक्शन जैसे आप एल्कोहल से कराओगे तो एल्कोहल क्या होता है, दिस वन इज एल्कोहल। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि यहां पर बहुत ही क्लियर कट यहां पर OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, मतलब टूटेगा यहां से तो पक्का यही टूटेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? तब देखिए ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं यहां लिख देता हूं, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि एसिड की प्रेजेंस में होगी। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि एसिड की प्रेजेंस में होगी। अब यहां से बॉन्ड क्लीवेज को जरा चेक कर लो, अगर यहां से आप हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो तो पूरा हिस्सा यहां से बाहर निकलेगा, देख लो। क्लियर होता है? यहां बॉन्ड क्लीवेज चेक कर लो, RCO, ये RCO, तो आपने यहां से क्या लिया, O एंड H लिया ना, O एंड H। अब H की जगह यहां पर COCH3 है, जरा खुद से दिमाग लगा के चेक करो। मैंने अभी भी इस तरफ से बॉन्ड का क्लीवेज कार्बन टू ऑक्सीजन ही तोड़ा है, यहां पे भी कार्बन टू ऑक्सीजन ही तोड़ा है। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो अभी आपको क्लियर हो रहा है यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन एसिड या एसिड के डेरिवेटिव से टूटेगा। क्लियर होता है? वहां पर कौन सा टूटेगा, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। तो यहां पर टूटा है, आपने कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा और ये पूरा का पूरा हिस्सा हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो क्या बनाएगा जरा चेक करो, CH3COO और यहां पर ये H, तो यहां पर CH3COOH, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लो, दोबारा बता देता हूं, जिस बॉक्स के अंदर है वो क्या है, CH3COO एंड देन H, और साथ में एस्टर बन रहा है, देखो CH3CO और ये दोनों जुड़ जाएंगे OR, तो यहां पर R की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये आपका एस्टर बन गया, CH3CO एंड देन OR, नाउ दिस वन इज एस्टर। अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, और ये है एसिटिक एसिड, आप यहां पर R की जगह कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर एसिडिक एसिड और एस्टर बनता है। अगेन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें आपको तुरंत इसको रिमूव करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमूव दिस, अदरवाइज ये अच्छी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर होता है? रिवर्सिबल है रिएक्शन, अच्छी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। एक और इसकी रिएक्शन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरफ तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, OH, जबकि यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। क्लियर होता है? अब आप खुद से दिमाग लगा के देख लो, अपने आप ही बॉक्सेस बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को? बस इसका ध्यान रखना है, यहां कार्बन टू ऑक्सीजन जबकि यहां पर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर लिया CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड देन यहां Cl, ठीक है, ऑयल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड ले लिया। क्लियर हो गया? ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। अब देखिए यहां पर अगर इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया किससे, HOR, ये लीजिए एल्कोहल, यहां पर भी मैंने लिया था HOR एल्कोहल, यहां पर भी मैंने HOR, R की जगह कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये जो रिएक्शन है ना, आप ये भी रिवर्सिबल होती है, लेकिन इसको आप इरिवर्सिबल बना सकते हो, यहां पर पिरिडीन की प्रेजेंस रखी जाती है, ध्यान से उसको देख लीजिएगा, यहां पर पिरिडीन की प्रेजेंस रखी जाती है पिरिडीन, ठीक है। अब पिरिडीन क्या करता है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, यहां पर पिरिडीन की प्रेजेंस रखी जाती है जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल हो जाती है। दोबारा बता देता हूं, एक्चुअल में ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है, जैसे कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन यहां पर स्पेशली हम लोग पिरिडीन की प्रेजेंस रखते हैं जिसकी वजह से ये अगेन इरिवर्सिबल ऑलमोस्ट हो जाती है। अगेन पहले तो आप बॉन्ड तोड़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे यहां कहा था कि यहां OH बॉन्ड टूटेगा, यहां पर कार्बन टू दिस ग्रुप, वट एवर बी द ग्रुप, वो बॉन्ड टूटेगा। ये देखिए यहां पर हमेशा ऐसा ही किया हमने, कार्बन टू दिस ग्रुप, OH ग्रुप पूरा ही अटर है, ठीक है, यहां पर कार्बन टू दिस ग्रुप, ये पूरा ही बॉन्ड, ये पूरा ग्रुप हट गया, तो यहां से भी ऐसा होगा। यहां से क्या बाहर निकल रहा है जरा चेक करो, HCl बाहर निकल रहा है। क्लियर हो गया? अब पिरिडीन क्या करता है, HCl को अपने साथ, HCl में से Cl वाले पार्ट को अपने साथ जोड़ के रिमूव कर देता है, ये खास बात है पिरिडीन की, ठीक है। तो यहां से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको जरा चेक कर लेते हैं, एक तो बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन O एंड देन R, और प्लस में बन रहा है HCl, और ये पिरिडीन क्या करेगा, इस HCl को यहां से रिमूव करने का काम करेगा। मैं यहां लिख देता हूं, द रिमूवल ऑफ HCl, रिमूवल ऑफ HCl, ठीक है, इज डन बाय पिरिडीन, पिरिडीन इसको रिमूव करने का काम करता है। पिरिडीन में नाइट्रोजन होता है जो इसको, इसमें से जो क्लोरीन है उसको लोन पे डोनेट करके अपने साथ ले लेता है, जिससे HCl वैनिश हो जाता है। क्लियर हो गया? पिरिडीन में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जो यहां पर क्या करेगा, इस Cl को अपने साथ लेकर यहां से फुर हो जाएगा, तो यहां से HCl का खात्मा होने लगता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है जिससे आप एस्टर बना सकते हो ना, दिस वन इज एस्टर, ये है आपके पास एस्टर,
तो देखिए इस तरह से आप एस्टर की फॉर्मेशन करते हो, ध्यान से उसको देखो, एसिड और उसके डेरिवेटिव से आप एस्टर की फॉर्मेशन कर सकते हो। और ये OH बॉन्ड क्लीवेज का, ध्यान रखिएगा यहां पर, ये OH बॉन्ड क्लीवेज का एग्जांपल है, OH बॉन्ड क्लीवेज का एग्जांपल है, ठीक है, OH बॉन्ड क्लीवेज का एग्जांपल्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये OH बॉन्ड क्लीवेज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो एस्टरीफिकेशन में लास्ट रिएक्शन मैंने आपसे कहा कि यहां पर जब आप ऑयल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हो तो आप क्या करते हो, बेसिकली अल्कोहल से रिएक्शन कराते टाइम पिरिडीन को साथ में डालते हो। तो पिरिडीन वाला रिएक्शन क्या है, पिरिडीन होता है गाइज ये, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये देखिए, दिस वन इज पिरिडीन, यहां पर नाइट्रोजन, ये देखिए दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ऑल्टरनेट पोजिशन पे यहां पर क्या होते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब ये पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, और यहां से आपने HCl का फॉर्मेशन किया है, तो पिरिडीन क्या करेगा, इस HCl से रिएक्ट करेगा, HCl में H पर होता है प्लस और इस पे माइनस, यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, सबको पता ही है, यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव होता है। अब ये क्लोरीन क्या करता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। अब नाइट्रोजन अपने लोन पर इसको डोनेट करेगा तो यहां पर ये पिरिडीन में नाइट्रोजन क्या करेगा, उसको अपने साथ जोड़ लेगा, जैसे ही इसने नाइट्रोजन ने डोनेट किए तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड आपके एज इट इज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नाइट्रोजन पे आ चुका है पॉजिटिव और उस क्लोरीन पे नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन के साथ यहां पर क्लोरीन भी रहता है नेगेटिव के साथ, ध्यान से उसको देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इस तरह से कंपाउंड फॉर्म करता है और HCl को अलग कर लेता है, ध्यान से उसको देख लो। तो ये रीजन है कि हम लोग पिरिडीन डालते हैं जब हमें पता है कि वहां पर HCl का फॉर्मेशन होगा, तो HCl को पिरिडीन क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, ये सबसे खास बात है इसकी। तो इस तरह से हम लोग वहां पर दिखाते हैं कि अब वो रिएक्शन क्या नहीं रहेगी, रिवर्सिबल नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर HCl का कंटिन्यूस रिमूवल कौन कर रहा है, पिरिडीन खुद, हमें करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज पहले वाली जो केमिकल रिएक्शन थी उसके अंदर पानी को अलग करना पड़ रहा था, समझ में आता है, तो यहां पर तो पिरिडीन खुद ही HCl को अलग कर लेगा, तो ये रीजन है उसका, ये भी लिख लीजिए, छोटी सी चीज है। उसके बाद हम लोग CO बॉन्ड क्लीवेज की तरफ चलते हैं, चलिए लिख लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज वाली अल्कोहल की रिएक्शंस की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए CO बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन, C2O बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शंस। तो अब हमें ये पढ़नी है, ठीक है, उसमें सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल की, जब वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ध्यान से उसको देखिएगा, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है लुकास रिएजेंट के साथ, लुकास रिएजेंट के साथ, ठीक है, ये सिंपल सी है, हालांकि मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना के रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक फटाफट से इसको शॉर्ट बता देता हूँ, क्योंकि अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा देखिए, यहां पर जब भी अल्कोहल, मैं पहले सिंपल वे से लिखता हूं, जब भी अल्कोहल, यहां ध्यान से उसको देखिएगा, अब ये अल्कोहल है, अब इसमें हम लोगों को बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला, ये पूरा ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा। अल्कोहल की रिएक्शन जब आप HCl से कराते हो, ठीक है, किसकी प्रेजेंस रखोगे, ZnCl2 की प्रेजेंस रखोगे, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, और एक्चुअल में लुकास रिएजेंट होता ही यही है, HCl, वो भी कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और प्लस ZnCl2, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर लुकास रिएजेंट बोलते हैं, क्लियर हो गया। सो यहां पर ROH और HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि उस तरफ का बोर्ड अपने को काम आ जाएगा, तो ध्यान से इसको देखो, यहां से बहुत ही आसान है, ये OH और ये H, ये दिखाई दे रहा है, ये OH बॉन्ड का क्लीवेज करना है और ये Cl, आप दिख रहे हो तो कितना आसान लगता है, कुछ है ही नहीं, यहां पर क्या बाहर निकला है, H2O बाहर निकला है और यहां पे RCl की फॉर्मेशन हो गई, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे इसको, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये दिख तो कुछ ऐसा रहा है कि यहां पर SN रिएक्शन हो रही है, यहां पर क्या किया, एक OH नेगेटिव हटाया, दूसरा Cl नेगेटिव आ चुका है, तो ये क्या किया, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहां से हटाया, ऐसा दिख रहा है, लेकिन बच्चों OH माइनस वाला ग्रुप तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो फिर ये कैसे हटा, ये तो थी शॉर्ट ट्रिक कि इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो कि यहां पर H और ये OH हट गया और RCl आपस में जुड़ गया तो RCl बन गया, ये तो शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन अगर मैकेनिज्म पे जाएं तो यहां पर ये देखो, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहां से हटा रहा है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो वो कैसे हट गया, उसी के ऊपर हमें बात करनी है,
अब यही खास बात है, सबको समझ में आ गया, एक एक चीज पे फोकस करें तो केमिकल रिएक्शन को देखना आसान है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल सा दिखाई दे रहा है, क्लियर हो गया। लेकिन ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये निकल कैसे गया, इसको आपने निकाला कैसे, बस यही खास बात है जिसको हमें मैकेनिज्म में समझना है, क्लियर हो गया सब लोगों को। अब ध्यान से उसको देखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैकेनिज्म से मैं आंसर दूंगा कि यहां पर ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन फास्ट रिएक्शन करता है, क्लियर हो गया। सो ध्यान से इसको देखिएगा, ये ROH और ये HCl आपस में रिएक्ट करके इस तरह से RCl की फॉर्मेशन करते हैं। एक मजेदार बात, मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो ROH होते हैं बेसिकली वो तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्लियर हो गया। ROH एल्कोहल्स वाटर सॉल्युबल होते हैं तो अपने को पहले से पता है, लेकिन ये जो एल्काइल हैलाइड आप बना रहे हो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, टर्बिडिटी दे देते हैं, टर्बिडिटी तुरंत निकालते हैं, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आने लगेगा, वाटर सॉल्युबल नहीं है ये, टर्बिडिटी फॉर्म करेंगे, क्लियर हो गया। दीज आर नॉट रेडिली सॉल्युबल, दीज आर नॉट रेडिली सॉल्युबल, मैं लिख देता हूं, दीज आर नॉट रेडिली सॉल्युबल, ये रेडिली सॉल्युबल नहीं है, क्लियर हो गया, ये टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं। ये मैं आपको ल्यूकास टेस्ट का एक अलग से वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी बताया था। अब देखिए मजेदार बात, अब यहां से कैसे पता लगेगा कि कौन यहां पर कितनी फास्ट रिएक्शन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल काफी बार पूछा गया है तो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए जरा ध्यान से, आप यहां पर तीन तरह के अल्कोहल ले सकते हो, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल आप ले सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल शॉर्ट में लिखता हूं, और ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से उसको देखो। अगर आपने, हमको पता नहीं है कि यहां पर कौन सा अल्कोहल है, सपोज कीजिए कि अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल डाला होता तो यहां पर टर्बिडिटी बिल्कुल तुरंत ही मिल जाती, 3 डिग्री अल्कोहल का अगर ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाया होता तो टर्बिडिटी तुरंत एकदम से इंस्टेंटली मिलती, ठीक है, इंस्टेंट टर्बिडिटी लिखता हूं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान से उसको देखिए फिर मैकेनिज्म बताऊंगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंट टर्बिडिटी मतलब तुरंत टर्बिडिटी, धुंधलापन पानी में तुरंत आ जाएगा। इसको करना कितना आसान है, सपोज की करो कि बीकर कंटेनर में आपके पास है ना, आपको पता नहीं अल्कोहल कौन सा है, आपने तुरंत उसके अंदर क्या डाल दिया, HCl और ZnCl2 इंट्रोड्यूस किया तो तुरंत ही धुंधलापन आ गया, और अगर तुरंत टर्बिडिटी आ गया इसका मतलब तुरंत समझ जाओगे आपकी ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो आपको 5 मिनट कम से कम लगेंगे टर्बिडिटी आने में, लेकिन 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी आ गई तो समझ लीजिएगा कि आपके पास ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इंस्टेंट तो नहीं आएगा, और अगर इंस्टेंट नहीं आया तो 3 डिग्री नहीं है, आया समझ में, और इंस्टेंट आ गया तो पता लग गया 3 डिग्री है। अगर 5 मिनट में आया, आप उसको शेक करते रहे और 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी आ गई तो 2 डिग्री है, क्लियर हो गया। लेकिन टर्बिडिटी आने में कम से कम आधे घंटे से ज्यादा लग जाए, 30 मिनट, वैसे तो आती नहीं है लेकिन 30 मिनट में भी तब आएगी जब आप उसको हीट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर आपने 1 डिग्री लिया हुआ और ल्यूकास रिएजेंट डाला है तो टर्बिडिटी आती नहीं है, ठीक है, लेकिन 30 मिनट जाने के बाद, वो भी हीट करने के बाद अगर टर्बिडिटी आ रही है तो इसका मतलब वो 1 डिग्री है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल का यहां पर टेस्ट कर सकते हो, ये अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है ल्यूकास रिएजेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का टेस्ट वेदर इट इज 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री उसका पता करने के लिए किया जाता है। अगर यह 3 डिग्री है तो तुरंत यहां पर रिएक्शन होगा और यहां पर इंस्टेंटली टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी किसकी वजह से आती थी, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन की वजह से टर्बिडिटी आती है। और अगर ये 2 डिग्री है तो 5 मिनट लगेंगे, और अगर 1 डिग्री है तो हीट करने पर आएगी, अदरवाइज आएगी ही नहीं। तो आप देखो कितना आसान है आपके लिए, आपको सिर्फ इतना देखना है, आपको पता नहीं अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, आपको सिर्फ ऊपर से HCl और ZnCl2 की ड्रॉप डालनी है। अगर तुरंत धुंधलापन आ गया इसका मतलब 3 डिग्री है, मालूम पड़ गया, 5 मिनट बाद शेक करने के बाद आ रहा है तो 2 डिग्री, और आया ही नहीं रूम टेम्परेचर पर, हीट तो कर नहीं रहे हो आप और आया ही नहीं, काफी देर आपने उसको शेक कर लिया फिर भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री। अब इसके पीछे की हम लोग मैकेनिज्म चेक करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, यहां पर ये OH ग्रुप CL ग्रुप ने OH ग्रुप को रिप्लेस करा कैसे, क्योंकि ये तो अच्छा यहां पर लिविंग ग्रुप है ही नहीं तो इसको रिप्लेस किया कैसे गया, इसीलिए तो हमने ZnCl2 डाला है, समझ में आ गया, बस उसका रोल अब आता है, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप ध्यान रखिएगा ल्यूकास टेस्ट में, ल्यूकास टेस्ट का अगर आप लोग ऑर्डर लिखें कि ल्यूकास टेस्ट में फास्टेस्ट कौन, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्टेस्ट, तो ये ऑर्डर लिख लीजिएगा।
फिर आता है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और फिर आता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से ये ऑर्डर निकलता है लुकास टेस्ट के लिए। बहुत बार पूछा जाता है कि लुकास टेस्ट फास्टेस्ट कौन देता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, और ये ऑर्डर भी पूछा गया है। क्लियर होता है सब लोगों को? चलो मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ फटाफट से, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलिए ले लीजिए। सो चलिए गाइस, लुकास टेस्ट के पीछे का मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से उसको देखिए। सबसे पहले तो हमने एक अल्कोहल लिया, ध्यान से उसको देखिए। नाउ दिस वन इज एन अल्कोहल, ये देखिए ये एक अल्कोहल है, H को मैंने यहाँ दिखा दिया। हमको पता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप एक लुइस एसिड से करा रहे हो। सबसे पहले ZnCl2 पिक्चर में आता है। नाउ दिस इज अ लुइस एसिड, ठीक है। ये लुइस एसिड क्यों है? क्योंकि जिंक का ऑक्टेट पूरा नहीं है, लुइस एसिड की तरह होता है, और साथ ही इसके ऑर्बिटल्स भी खाली होते हैं। तो इसको है इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत और इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ध्यान से इसको देखिएगा क्या बन रहा है। इसको चेक करिए, देखिए ये R, उसके बाद ये ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन को मैं ऊपर लगा देता हूं, यहां पर जिंक और Cl2 जुड़ गया है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फॉर्म हो रहा है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने दिए हैं इलेक्ट्रॉन तो उस पर आएगा पॉजिटिव, और जिंक ने लिए हैं इलेक्ट्रॉन तो उस पर आएगा नेगेटिव। इस तरह से इंटरमीडिएट यहां फॉर्म हो जाता है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? अब देखिए यहां पर सीन क्या है। अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि अब पिक्चर में कौन आएगा, अब ये क्या है, ध्यान से इसको देखिए। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर आ चुका है पॉजिटिव। दिखाई दे रहा है? अब ये आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग सकता है, लेकिन फिर आर को कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। इस केस में आपके पास आता है HCl। यहां पर देखो ZnCl2 के साथ में आपने क्या डाला था, ZnCl2 प्लस HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। अब देखिए HCl के अंदर कौन होता है, अब यहां पर देखिए HCl के अंदर कौन होता है, एक तो H+ और दूसरा होता है Cl-। तो अब ये Cl- क्या करेगा, इस R को अप्रोच करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। ये Cl- इस R को अप्रोच करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। दिखाई दे रहा है? जैसे ही ये Cl- अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस R को अप्रोच कर रहा है, ये ऑक्सीजन तुरंत क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां से R से विड्रॉ करेगी। इस तरह से यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर हो गया? सीधे नहीं हो सकता क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इस तरह से तो हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है इंटरमीडिएट बनने की, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक इंटरमीडिएट बनने की रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां से Cl जब अप्रोच कर रहा है R को, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। उस केस में बन क्या रहा है, एक तो RCl की फॉर्मेशन हो गई है, और प्लस साथ में यहां पर ये कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ZnOH और Cl2। ध्यान से देखिएगा इसको, और क्योंकि जिंक के ऊपर माइनस है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसके ऊपर मैं माइनस दिखा देता हूं। अब ध्यान से इसको देखिए, यहां पर क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इसका पॉजिटिव हट गया है, समझ में आता है सबको। अब इसके तो दो ही बॉन्ड है, लेकिन जिंक ने तो यहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखा है, तो जिंक पे नेगेटिव रहेगा। तो मैंने ब्रैकेट लगाया और वहां पे माइनस लगा दिया। सबको समझ में आ गया? ओवरऑल इस पीसी पे माइनस है, जो कि जिंक के ऊपर है, अभी क्लियर है। और फाइनली अगर आप इसकी, ये जो H+ आपके यहाँ बचा हुआ था, देखो ये H+ जाता है, उसको सपोर्ट करता है। फाइनली H+ से जब इसकी रिएक्शन होती है, H+ और OH- वापस वाटर को बाहर निकालते हैं, और यहाँ ZnCl2 आपको फिर से रिकवर हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर आप क्या कराते हो, सब्स्टिट्यूशन कराते हो। दोबारा समझ लो, ये है अल्कोहल, ये है ZnCl2 जो कि लुइस एसिड है। ये अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये स्पीसी बना रहा है। ये स्पीसी बनाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा और जिंक पे नेगेटिव आएगा। अब सीन कुछ ऐसा है कि HCl भी आपने डाल रखा है, HCl क्या करेगा, H+ और Cl- देगा। ये Cl- इसको अप्रोच करेगा, ऐसा क्यों इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन ऊपर से इस पर आ गया है पॉजिटिव। तो अब ये क्या करेगा, ये और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश करेगा, तो यहां पर तो भयंकर ही क्या हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। तो यहां पर ये HCl में से Cl- इसको अप्रोच करेगा, फाइनली ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन के फेवर में, RCl बनेगा और वो बनेगा, और साथ में H+ जाएगा और क्या करेगा, ZnCl2 को वहां से अलग कर देगा। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यहां पर RCl की फॉर्मेशन होती है। दिखने को तो ये बहुत आसान लगता है कि आपने ROH लिया है और प्लस आपने HCl लिया है, किसकी प्रेजेंस रखी है, ZnCl2 की, यहाँ से आपने ये वाटर बाहर निकाल दिया और RCl बन गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए है आप किसको इस्तेमाल करते हो, ZnCl2 को। तो मैकेनिज्म ये है, इसका शॉर्ट रिएक्शन ये है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा पूरे मैकेनिज्म में 3 डिग्री अल्कोहल इसको फास्टेस्ट करेगा,
ठीक है, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का, और उसके बाद किसका नंबर आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का। ये लीजिए, इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगी। सिंपल है, आसान है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एक लास्ट रिएक्शन आपको और बता देता हूं, अभी उसके बाद अगली वाली वीडियो में हम लोग रिएक्शंस और करेंगे। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर ROH का रिएक्शन करवा दिया, किसके साथ करवाया आपने, PCl3 या फिर PBr3, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो ये आपने रिएक्शन पढ़ रखा है, इसीलिए मैं आपको यहीं पे तुरंत बता दे रहा हूं। तो देखिए, आपने ये रिएक्शन कहां पढ़ी थी, जो आपने अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करवाई थी पिछले चैप्टर में। तो यहां पर इसको कितने लेने होते हैं, 3। तो यहां पर देखिए बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होगा, यहां पर ये 3R और यहां पर ये 3Br क्या बना लेंगे, RBr की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अल्काइल ब्रोमाइड बना लिए, कितने बनाएंगे यहां पर जरा चेक करो, 3 बनेंगे। यहां ध्यान से देखो, 3R और 3Br, 3RBr की फॉर्मेशन करेंगे, और उसके साथ अब क्या बच रहा है, देखिए एक तो फॉस्फोरस बच गया, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन और बच रहे हैं, ये भी तो 3 है, नहीं लिखे हुए बाहर, ये पूरे के पूरे तो आपने 3 लिए हैं, तो 3R तो आपने काम ले लिए, 3Br काम ले लिए। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस मिलकर क्या बनाएंगे, H3BO3, H3PO3, क्लियर हो गया। तो ये एसिड बाहर निकल जाता है, यहां से अल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है, दिस इज अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो रही है। और ये भी रिएक्शन किसकी है, CO बॉन्ड क्लीवेज की, क्योंकि आप ये बॉन्ड तोड़ रहे हो, देखो आपने बॉन्ड कौन सा तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा। तो फाइनली ये देखिए 3R और 3Br मिलके 3RBr अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं, ये OH3 और ये फॉस्फोरस H3BO3 एसिड बाहर निकाल देते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं उसको। तो यहां पर इस तरह से हमने आज टोटल 3 CO बॉन्ड क्लीवेज की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, क्लियर हो गया, सॉरी 2 पढ़ी और एक हमने एसिडिफिकेशन पढ़ा। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है CO बॉन्ड क्लीवेज की, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन भी होता है, जो कि अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट CO बॉन्ड क्लीवेज की केमिकल रिएक्शन है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो चलिए गाइज, हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमें करवाना है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, ठीक है, जिससे हमारे सामने केमिकल रिएक्शन आ जाए ना, तो हम तुरंत आंसर कर सके। फिर वो कैसे आया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म के थ्रू, क्लियर हो गया सब लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करिए, देखिए एल्कोहल, एल्कोहल जिसको हम लोग फॉर्मूले से कैसे लिखते हैं, ROH, सबको पता होगा, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल, ये तो जानते हो। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है, सबको समझ में आ गया। लेकिन मजे की बात ध्यान से रखो, अगर ऑक्सीडेशन आपको करवाना है ना, तो आपकी एक मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है, देयर मस्ट बी एन अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं धीरे धीरे। हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन का यहां पर एक बेसिक सीखेंगे, उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं मैकेनिज्म भी बताने वाला हूं, तो चेक करो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ऑब्वियसली 1 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता ही है, चेक करिएगा ध्यान से। तो मैं यहां लिखता हूं, सपोज कीजिए कि 1 डिग्री अल्कोहल में मैंने लिया ये, ध्यान से उसको देखिएगा, यहां पर मैंने कार्बन लिख दिया, और उसके यहां पर भी सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक कार्बन लगा दिया, ठीक है, और यहां पर मैं CH3 लगा रहा हूं इस कार्बन के साथ। तो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं OH, देखिए जरा ध्यान से, ये OH दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब क्योंकि ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हो, तो वहां पर ये 1 डिग्री हो गया। तो मतलब बाकी वैलेंसीज की पूरी किससे करनी है आपको, हाइड्रोजन से। तो बच्चों ये हो गया 1 डिग्री, चेक करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ, खुद से चेक करो, OH जिस कार्बन से जुड़ा वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, चेक करो, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा, आपका मेन ग्रुप जिस पहले कार्बन से जुड़ा उसको अल्फा कार्बन कहते हैं ना, दिस इज अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जितने भी, सबको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। मजे की बात, इस कंपाउंड के अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर हो गया सब लोगों को। तो यहां पर 2-2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है।
अब आप करते क्या हो यहां पर, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब आप रेडॉक्स में पढ़े हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जानते हो। तो यहां पर दोनों वे से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से इसको देखो, यहां पर करना कुछ ऐसा, वो होगा कैसे वो मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा, लेकिन सिंपल वे से समझो कि हमें यहां करना क्या है। बहुत सिंपली यहां पर कार्बन को चेक करो, कार्बन सिर्फ अभी ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। अगर आपने कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ा दिए, तो वहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब मैं आपको चेक कराऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट से, सबको क्लियर होता है, ध्यान से उसको चेक करना। देखिए यहां पर करना कुछ यूं है कि यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाओ। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस हाइड्रोजन को भी हटाना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ वाला, और इस हाइड्रोजन को भी हटाना पड़ेगा। तो यहां पर आप कर क्या रहे हो, हाइड्रोजन हटा रहे हो, इसको डीहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया है, हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हो, हाइड्रोजन का रिमूवल ही तो ऑक्सीडेशन होता है। और अगर मैंने यहां से दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, अब हटाएंगे कैसे मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा, उसके लिए चिंता मत करो। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के पास वाला हाइड्रोजन और कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन अगर मैंने हटा दिया, तो यहां पर होगा कुछ यूं कि यहां पर एक कन्वर्जन हो जाएगा इसमें CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद यहां पर क्या है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दो, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन बचाओ ना यहां पर, तो मैं उसको हाइड्रोजन को उस तरफ लिख रहा हूं, ये देखो, आप देखो जरा ध्यान से मैंने क्या किया, ये तो था ही, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हटा दिया, कार्बन के साथ मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन को उस तरफ ले गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड। जरा चेक करो यहां पर आपने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया, ध्यान से इसको देखना, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया, देखिए जरा ध्यान से, सबको क्लियर है। अब यहां पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, जरा ध्यान से उसको देखना, मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन कर डाला तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, क्लियर होता है। लेकिन ये रिएक्शन आगे रुकेगी नहीं, डिपेंड करता है आपने रिएजेंट क्या लिया है, फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कराना चाहो एल्डिहाइड का तो भी पॉसिबल है, इस चीज को ध्यान से समझना, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, वो डिपेंड करता है कि आप ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, उसके लिए चिंता मत करो। यहां पर एक बार अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे 1 डिग्री अल्कोहल का, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एक बार अगर और करवा दिया इसका ऑक्सीडेशन तो क्या होगा, जरा खुद से सोचो कि यहां पर अगर ऑक्सीडेशन में कराऊं तो यहां पर क्या पॉसिबल है, कौन सा एक नया आपको नजर आता है ग्रुप जो कि यहां पर जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है ऑक्सीडेशन के बाद। ऑब्वियसली यहां पर अगर ऑक्सीजन इस तरफ आ जाता है इन दोनों के बीच में, क्लियर होता है। अब ये होता कैसे मैं आपको बताता हूं आगे, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो इस केस में आपको नजर आता है एल्डिहाइड के आगे ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है, क्योंकि नया ग्रुप हम जानते हैं COOH, ऑक्सीजन जुड़ गया तो OH। अब जरा चेक करिएगा यहां पर, मैं बहुत इंटरेस्टिंगली एक चीज बताऊंगा, तो यहां पर क्या बन गया, ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर ओ एंड देन एच। अब यह सीन कुछ ऐसा है कि ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ गया, फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो आपको यही क्लियर होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल करेक्ट ऑक्सीडेशन बिल्कुल लाइन में कौन करेगा, उसके लिए रिएजेंट होते हैं प्रॉपर, कई रिएजेंट ऐसे होते हैं जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देते हैं, कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रोकते हैं, बस वो आपको याद करने में आपको सेपरेटली बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पर आप ध्यान से देखिए यहां पर हमने कर दिया ऑक्सीडेशन, यहां पर हो चुका है, सबको क्लियर हो गया। अब मैं आपको ना थोड़ा सा प्रूफ देता हूं कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, आप जरा चेक करो कि बताओ यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 1 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। तो देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, इस हाइड्रोजन की वजह से इस पे आएगा -1, चेक करना, इस बॉन्ड की वजह से -1 आएगा कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की वजह से भी इस पे कितना आएगा -1, लेकिन ये कार्बन कार्बन से तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकता क्योंकि ये दोनों कार्बन है, लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से इस कार्बन पर कितना आएगा +1। तो आप जरा चेक करो टोटल कितना हो गया, चारों बॉन्ड की वजह से +1 -1 -1, दिस इज हाउ मच -1। तो यहां पर अल्कोहल के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, इधर आ जाओ। अब बताएगी इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां पर चेक करते हैं, तो जरा चेक करो इस हाइड्रोजन की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से यहां पर कार्बन में कितना आएगा -1, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस कार्बन की वजह से कुछ होगा नहीं क्योंकि कार्बन दोनों सेम पावरफुल है। अब इस ऑक्सीजन की वजह से आ जाओ आप, इस ऑक्सीजन की वजह से दो बॉन्ड है तो यहां पर -2 जाएगा, तो यहां पर कितना होगा +2, आप टोटल काउंट करो कितना
कितना हो गया, प्लस टू माइनस वन, दैट इज प्लस वन। तो आप देखिए यहां पर जैसे ही अल्कोहल से एल्डिहाइड पे गए तो आप माइनस वन से प्लस वन की तरफ जा रहे हो, और हमने रेडॉक्स में पढ़ा है कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। सबको क्लियर हो गया? अब आ जाओ उस तरफ जाए तो और चेंज हो जाना चाहिए। देखो हो रहा है, अब मैं कहूं कि चलो इस कार्बन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो देखिए ये कार्बन इस ऑक्सीजन की वजह से यहां पर कितना आएगा, प्लस वन, ये बॉन्ड की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इधर तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बन और ऑक्सीजन इस पर माइनस टू आएगा, इस पर प्लस टू आएगा। जरा चेक करो टोटल कितना हो गया, यहां पर हो गया प्लस थ्री। अब आप खुद से सोचो कि क्या ऑक्सीडेशन नहीं हो गया है? आप वन डिग्री अल्कोहल जिसमें माइनस वन था उसमें माइनस वन से गए प्लस वन पर, प्लस वन से गए प्लस थ्री पे। सबको क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वन डिग्री अल्कोहल इनिशियल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड में, फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। तो अभी हमने वन डिग्री अल्कोहल का बेसिक तो सीख लिया, नाउ व्हाट अबाउट टू डिग्री अल्कोहल? अब ऐसा क्यों हुआ जरा चेक करो, क्योंकि इसके बाद दो अल्फा हाइड्रोजन थे तो दो बार यहां पर उसका ऑक्सीडेशन हो गया। सब डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। अब देखिए टू डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, सपोज विल टॉक अबाउट टू डिग्री अल्कोहल। तो टू डिग्री अल्कोहल का खेल कुछ ऐसा है कि कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी दो वैलेंसीज आप किससे पूरी करते हो, ठीक है, दो कार्बन ग्रुप से, ये लो, और यहां पर है हाइड्रोजन। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, ये जरा चेक करना ध्यान से, ये कार्बन टू डिग्री कार्बन है। अब ये टू डिग्री अल्कोहल है, कैसे, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो सिर्फ दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये टू डिग्री हो गया। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। इस ग्रुप में के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, मेन ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, सो ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन। सबको समझ में आ गया? अब देखिए अगर आप इसका एक बार ऑक्सीडेशन कराओगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि आपको ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकालना है, तो यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और अगर यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो क्या बनेगा, एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो किटोन बन गया। जरा चेक करो, अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, तो यहां पर डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा, और अगर यहां से डबल बॉन्ड आ गया तो यहां पर क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 किटोन बन गया। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर टू डिग्री एल्कोहल से आप बनाते हो किटोन। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। क्या अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका मेन ग्रुप है, यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो यहां पर अब ये कीटोन तक जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बनने वाला। सबको समझ में आ गया? यहां पर तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो पॉसिबिलिटी थी ऑक्सीडेशन की, अब नहीं है इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन तो अब फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। सबको समझ में आ गया? दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट कि इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट थ्री डिग्री अल्कोहल? अब देखिए जरा ध्यान से, अब थ्री डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो खुद तीन मिथाइल ग्रुप से जुड़ा, तो वो थ्री डिग्री हो गया। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन कराने जाओगे तो पॉसिबिलिटी बनती है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गया? सो फाइनली मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर देखिए वन डिग्री अल्कोहल का दो बार ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, पहली ऑक्सीडेशन में वो एल्डिहाइड बनाएगा, दूसरी में कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। टू डिग्री अल्कोहल सिर्फ किटोन की फॉर्मेशन करता है क्योंकि इस ग्रुप के पास अब हाइड्रोजन बचे नहीं, इस कार्बन के पास कोई फर्दर हाइड्रोजन नहीं है, क्लियर हो गया। लेकिन थ्री डिग्री अल्कोहल के पास तो इनिशियली हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, जरा चेक करो, तो यहां पर डिहाइड्रोजनेशन होगा कैसे, पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में। वाइगरस कंडीशन लोगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन से फिर भी ये सब चीजें तो बनती ही नहीं है, वो मैं आपको अलग से डिस्कस करूंगा जब हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया? तब मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि इन केसेस में क्या होगा, ये वाइगरस कंडीशन का मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। सो फाइनली ये पहले सबसे पहले चीज ये नोट डाउन करने की है कि यहां पर वन डिग्री के साथ क्या होएगा, टू डिग्री के साथ क्या होएगा और थ्री डिग्री के साथ क्या होएगा। अब यहां पर एक सवाल और बचता है, ये सवाल ये है कि यहां पर तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही बार ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये तो अपने आप ही रुक गया कीटोन पर जाकर, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर यहां वन डिग्री अल्कोहल से कहां जा रहा है, सबसे पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सीन कुछ ऐसा है, मैं इस तरफ लिखता हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा, ध्यान से उसको चेक करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे मैकेनिज्म की तरफ। देखो आप चाहो तो सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक सकते हो, और आप चाहो तो सीधे कहां जा सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड पर जा सकते हो। सबको समझ में आ गया? तो हमको ऐसे कौन से रिएजेंट है जिसमें सिर्फ हम वन डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पर रुक जाएं, और ऐसे कौन से अल्कोहल है जो सीधे आपको वहां जाके पटकेंगे,
क्लियर हो गया? सो डायरेक्टली पहले समझते कि वन डिग्री अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कौन देगा, मतलब वो रुकेगी नहीं, स्पीडअप होगी, आप रोक ही नहीं पाओगे। क्लियर हो गया? वो सीधे वन डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, आप उसको रोक ही नहीं सकते हो। और वन डिग्री अल्कोहल में काम कौन करेगा, पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से उसको देखो। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन एनी सेंस, अल्कोहल ऑक्सीडेशन आप किसके थ्रू करवाते हो, आप यहां पर मैं लिखता हूं जोन्स रिएजेंट के थ्रू। किसके थ्रू? जोन्स रिएजेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जोन्स रिएजेंट के थ्रू ये काम होता है। अब ये जोन्स रिएजेंट क्या है, जरा उसको चेक करो। जोन्स रिएजेंट यहां पर चेक करना, यहां पर ये होगा H2CrO4, ठीक है, इसको क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं, H2CrO4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ये जोन्स रिएजेंट आप बनाएंगे कैसे, आप देखिए जरा ध्यान से, ये H2CrO4 की फॉर्मेशन आप कर सकते हो Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस वाटर, ये आपको अब याद करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, जोन्स रिएजेंट जिसको बोलते हैं H2CrO4, जिसको क्रोमिक एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोमिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमिक एसिड कहते हैं, ये एक एसिड है क्रोमिक एसिड जो हाइड्रोजन देगा, H प्लस देगा। अब ये क्रोमिक एसिड आप कैसे बना सकते हो, इसको इसके लिए आपको सोडियम डाइक्रोमेट चाहिए प्लस सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए प्लस वाटर चाहिए। क्लियर हो गया? अब यहां पर अगर जोन्स रिएजेंट को इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वन डिग्री अल्कोहल से आप लिख लीजिएगा, सीधे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, आप बीच में रुक ही नहीं पाओगे, गाड़ी एकदम सीधे झकास जाएगी, सीधे रुकेगी कहीं नहीं। वन डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। टू डिग्री अल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, वो तो आपको पता ही है, कीटोन, चाहे आप कुछ भी ले लो कीटोन ही मिलेगा, इसके आगे तो जाता ही नहीं हो। थ्री डिग्री अल्कोहल में फर्दर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है आपको, सबको समझ में आ गया? स्पेशली हमारे लिए वन डिग्री अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधी गाड़ी जाएगी जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में, रुकेगी नहीं, सीधी कार्बोक्सिलिक एसिड बना के रुकेगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है, यहां पर सीधी गाड़ी इस रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा, मतलब आप रोक ही नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कौन है जो एल्डिहाइड तक इसको रोक देते हैं, वो मैं आपको मैकेनिज्म के बाद बताऊंगा। सबको समझ में आ गया? मतलब मैकेनिज्म पहले हम समझेंगे कि ये कैसे होता है, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगा कि ऐसे कौन से हैं जो एल्डिहाइड तक इस गाड़ी को रोक देते हैं। सबको समझ में आ गया? टिल देन बहुत ध्यान से आप देख लो यहां पर क्या हो रहा है, H2CrO4। अच्छा एक और है, अगर आप चाहो तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, CrO3 प्लस वाटर, H प्लस यहां लिखना जरूरी है, मतलब एसिड होना चाहिए मेन साथ में, अगर एसिड प्रेजेंट है तो आप नहीं रुकने वाले। एक और चीज क्लियर कर देता हूं, यहां पर देख लो, फिर बच्चे पूछेंगे सर एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, मैं आपको क्लियर करता हूं, CrO3 प्लस H प्लस लिखा हुआ है, तो ये आपको सीधे कहां डालेगा, डालेगा एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। लेकिन अगर आपने यहां पर देखिए, कई लोग सवाल पूछे कि वन डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पे कैसे रुकेंगे, तो मैं आपको एक रिएजेंट तो यही बता देता हूं, CrO3 और साथ में आपको लेना है CH2Cl2, यानी कि सॉल्वेंट आपको पानी नहीं लेना, लिख लो भले CrO3 CH2Cl2 अगर आप लेते हो तो ये सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो, ध्यान से इसको देख लो, मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं। लेकिन अगर आपने CrO3 के साथ कोई एसिड ले लिया तो इस कैटेगरी में चला जाएगा, इस कैटेगरी में ध्यान से इसको देख लो, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पर रोकेगा। सबको समझ में आ गया? तो मैं यहां पर मैं वो रिएजेंट लिख रहा हूं जो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पर रोकेगा वन डिग्री को, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? आप इसमें और भी ले सकते हो, जैसे कि KMnO4, एसिडिक KMnO4, ध्यान से उसको देखो, एसिडिक KMnO4 भी ले सकते हो, जो सीधे आपको किधर रोकेगा आपकी गाड़ी को, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, और सेकेंडरी वाले को कीटोन पे, टर्शियरी का नहीं कराएगा कोई भी इसके अंदर। सबको क्लियर हो गया? तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये यहां पर जो बॉक्स में लिखी है वो तो कन्वर्जन करेंगी, ये वाला एक मैंने स्पेशल आपको बता दिया, CrO3 प्लस CH2Cl2, ये आपको ध्यान रखना है, पानी नहीं होना चाहिए उस केस में, आपके पास ये एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, ये आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी हुआ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी खुद भी प्रोटॉन दे सकता है, तो H प्लस की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। और यहां पर CrO3 CH2Cl2+ में अगर हुआ तो यहां पर एल्डिहाइड तक रुक जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो। सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कराते हैं, उसको मैकेनिज्म पे चलते हैं। वन डिग्री अल्कोहल यहां पर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकता है, ठीक है, और सीधे अगर गाड़ी दौड़ रही है कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा रही है तो ये लोग हैं उसके पीछे के रिस्पॉन्सिबल, जोन्स रिएजेंट, जैसे कि H2CrO4 जिसको क्रोमिक एसिड कहते हैं। क्रोमिक एसिड बनाओगे कैसे? Na2CR2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O। क्लियर हो गया?
और अगर आप चाहते हो कि एल्डिहाइड तक ही रुक जाए गाड़ी, तो आपके पास यहां पर H2O पानी को हटा देना वहां से, क्लियर हो गया, पानी नहीं लेना, ये H+ है ना, पानी भी जुड़ा हुआ है एसिड के साथ, क्लियर हो गया सब लोगों को, यहां पर पानी नहीं लेना, सॉल्वेंट आप हटा दो, कोई एसिड कोई पानी नहीं चलेगा, CH2Cl2 लोगे तो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना। कीटोन में तो आप यहां पर 2 डिग्री में तो कुछ भी लो कीटोन तक ही जाएगा, चाहे कोई भी रिएजेंट ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर हो गया। और 3 डिग्री में तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, क्लियर हो गया सब लोगों को। और अगर वाइग्रस किया तो भी ऑक्सीडेशन से कुछ नया ही बनेगा, ये सब चीजें नहीं बनती है, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो फाइनली अब हम देखेंगे मैकेनिज्म, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइज, अब हम लोग चेक करते हैं यहां पर कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। सो चलिए देखिए, सपोज कीजिए मैंने यहां पर, मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पर हर एक एल्कोहल के पास ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा अगर उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो। सबको समझ में आया, तो ध्यान से उसको देखो, मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये कार्बन है, ठीक है, और किस कार्बन के साथ आपने OH ग्रुप को जोड़ के रखा है, दिखाई दे रहा है, और इसकी 2 वैलेंसीज पूरी हो रही हैं, किसी के भी साथ उससे हमें टेंशन नहीं है, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो एक अल्फा हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या खास बात है, इस ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन देने को, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब यहां पर पिक्चर में सबसे पहले कौन आएगा, क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड क्या होता है जरा चेक करो, देखिए उसका क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला लिखा था, दैट इज H2CrO4 लिखा था। अब उसको देखो मैं यहां पर यूज करूंगा, तो यहां पर ये मैंने क्रोमियम लगाया, अब 4 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, देखो ये दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये इस तरह से 4 ऑक्सीजन यहां पर जुड़े हुए हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से उसको चेक करना, क्लियर हो गया सब लोगों को, इसको क्रोमिक एसिड कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होएगा, यहां पर ये क्रोमिक एसिड है ना, इसके साथ जुड़ेगा कैसे, कि यहां पर ये हाइड्रोजन को ढीला करेगा और यहां से ये OH वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां से बाहर निकल गया। सो यहां पर एक क्रोमिक एसिड से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो जुड़ गया इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना जरा चेक करो, यहां पर ये कार्बन, ये देखिए फर्दर वैलेंसीज, यहां हाइड्रोजन, अब यहां पर एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक क्रोमियम जुड़ चुका है और बाकी ये पूरा का पूरा पोर्शन तो है ही साथ में, ये देखो जरा चेक करना ध्यान से, ये हो गया, अब यहां पे पहुंच गया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, यहां से H2O बाहर निकला और ये पूरा का पूरा पोर्शन अब इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, ये इंटरमीडिएट यहां फॉर्म हो गया। अब उसके साथ यहां पर वैलेंसी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा लेना, चाहे आप हाइड्रोजन लगा लो तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और सिर्फ इतने में रखते हो, मान लो यहां पर 2 डिग्री बनाते हो इसको कार्बन और कार्बन, तो कीटोन तक रुक जाएगा। अब देखिए सीन कुछ ऐसा है, अब आगे क्या होगा जरा चेक करिएगा, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन, इसकी एसिडिक नेचर होती है, ठीक है, तो हमें कोई बेस चाहिए जो इस हाइड्रोजन को खींचे अपनी तरफ, तो वाटर मौजूद है, मैंने आपसे क्या कहा था H2CrO4 किसके थ्रू बनाओगे आप, यहां पर लिखा था Na2Cr2O7 प्लस साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लिखा था प्लस साथ में पानी भी तो लिखा था, तो यहां पर पानी एज अ बेस काम करेगा जो उस H+ को बाहर निकालेगा, हमको पता है पानी में क्या होता है, ये देखिए यहां पानी में इस ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो ये इस हाइड्रोजन को लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने में, और ये क्रोमियम जो है यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा, सिंपल प्रोसीजर है, जरा चेक करो क्या बना, तो ये पूरा का पूरा आउट हो गया, तो मैं इसको अलग से लिखता हूं, देखो पूरा का पूरा आउट हो गया तो क्या बना, CrO3, ठीक है, HCrO3 बना, ये एच है, सी आर है, ओ पे 3 है, और क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे तो उस पर क्या आ गया माइनस, HCrO3 माइनस, ये बाहर निकला है, यहां पर माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज बाहर निकली है, क्लियर होता है, और साथ में क्या बाहर निकला है, देखो इस H2O ने इस H को अपने साथ लिया था और साथ में देखो H3O+ भी बाहर निकला है, ये 2 क्वांटिटीज बाहर निकली है, क्लियर हो गया सब लोगों को, तो ये तो पूरा का पूरा ही बाहर निकल गया, और यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ आ गया, तो देखिए क्या बन गया जरा चेक करो, क्या ये नहीं बना, चेक करना, ये देखिए सी डबल बॉन्ड हो, इस तरह से ऑक्सीडेशन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मालूम पड़ गया, सिंपल सा प्रोसीजर है इसका कि किस तरह से होता है, क्लियर हो गया। और अगर फर्दर हाइड्रोजन हुआ इसके बाद तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव कर जाएगा, ये सबको क्लियर है क्या यहां पर। अब देखिए सपोज करो कि यहां पर एक हाइड्रोजन और होता, मान लो यहां आर है यहां हाइड्रोजन है, तो यहां पर सबको पता है कि ये जो कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यहां पर माइनस डेल्टा और यहां पर प्लस डेल्टा है, क्लियर हो गया सब लोगों को, तो ये तो बहुत ही आसान है, जरा चेक करो, तो क्योंकि यहां पर प्लस का डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है तो यहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, पानी तो पहले से ही मौजूद है, ठीक है,
तो ये वाटर क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इसको अप्रोच करेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसके बाद वापस डालेगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, तो फाइनली क्या बन गया, जरा चेक करो, आर सी, यहां पर देखो हाइड्रोजन अलग हो चुका है और यहां पर कौन जुड़ गया, ये देखिए, ये देखिए, यहां पर ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो पहले से ही है। अब आगे क्या होने वाला है, बहुत आसान है। अब इस ऑक्सीजन पे प्लस है तो ये क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो फाइनली आपके पास क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर हो गया ओ एच, ठीक है, और यहां से क्या बाहर निकल गया, एच प्लस, ये लीजिए। इस तरह से फर्दर आप ऑक्सीडेशन से कहां पहुंच जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। सबको क्लियर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ पहुंच जाओगे। ये इस तरह से प्रोसीड होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसको प्रोसीड करते हो आप यहां तक पहुंच सकते हो। हमें यहां तक का मतलब था कि किस तरह से डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, उसके बाद तो चीजें आसान थी, क्योंकि उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके ऊपर हो रही है, एल्डिहाइड के ऊपर। इस चीज को समझिए, अब एल्डिहाइड से आगे रिएक्शन प्रोसीड होकर किधर पहुंच गए, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो ये रिएक्शन जो है आप एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि यहां से यहां तक आप कैसे पहुंचे हो। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, दोबारा देख लो, हमारे लिए ये प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां तक का। और उसके अंदर आपने क्या देखा है अभी, कि अल्कोहल जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, क्रोमिक एसिड उससे क्या करता है, रिएक्ट, यहां से पानी बाहर निकलता है जिससे ये इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद यहां पर वाटर का रोल आता है, फिर से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। हाइड्रोजन को जब वो अपनी तरफ खींचता है तो यहां पर माइनस H3O प्लस की फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है, और यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इधर, और ये अपना आराम से बाहर निकल जाता है। सो फाइनली आपके पास ये इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद का ऑक्सीडेशन भी वाटर ही करवाता है। यहां पर OH ग्रुप किस तरह से जुड़ता है मैंने आपको बता दिया। फिर से ऑक्सीजन इस प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फिर वापस डोनेट करेगा, तो ये हाइड्रोजन एच प्लस की फॉर्म में आसानी से लिविंग ग्रुप है बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया कि इंटरमीडिएट बन गया जिसपे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव का साइन है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव का साइन खतरनाक होता है, वापस ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ेगा, H प्लस की फॉर्म में यहां बाहर निकलेगा और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गया। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, ध्यान से उसको देख लो। आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड तक का काम कौन करेगा, ये याद रखिएगा, क्रोमिक एसिड H2CrO4, ये है एक्चुअल में वो रिएजेंट जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को किधर लेके जाएगा, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाएगा। सबको समझ में आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड तक, रुकेगा ही नहीं बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लीजिएगा, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। चलिए, सो फाइनली हम लोग यहां पर पहुंच गए हैं। अब बची सिर्फ ये बात कि एल्डिहाइड तक कौन रोकेगा, तो मैं यहां पर बॉक्स में लिखता हूं कि कौन कौन है जो एल्डिहाइड तक रोकेगा। तो ध्यान से उसको देख लो, अगर आप चाहते हो कि 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाए, ध्यान से उसको देखना, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाए, तो इस बॉक्स में नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला तो आप CrO3, मैंने अभी बताया था किसके साथ, CH2Cl2 के साथ। दूसरा रिएजेंट है PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं उसको, लिख लो PCC, जहां PCC लिखा दिख जाए एल्डिहाइड बनानी है आपको, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, लेकिन लिख तो लो एक बार। और तीसरा है हमारे पास कॉपर, सो कॉपर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो फाइनली यहां पर भी एल्डिहाइड तक ही रुकेगा और यहां पर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। तो इसकी जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी थी, इनको नोट डाउन करो, नेक्स्ट टाइम पे आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो इफ यू वांट कि एल्डिहाइड तक ही रुक जाए तो ये तीन यूज करोगे, और इफ यू वांट कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाए तो आप H2CrO4 यूज करो, कोई भी एसिड, क्रोमियम का कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड और एसिड यूज कर लो, वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाकर रुकेगा, आपको बीच में कहीं नहीं रुकने वाला। क्लियर हो गया, सो ये फंडामेंटल चीजें थी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो चलिए गाइस, हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, हमें एक बार फिर से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में डिस्कशन करना है, और उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समराइज कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके थ्रू समराइज कराऊंगा कि चीजें क्या हैं। उसके अलावा मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताने वाला हूं। सो अगेन एट द सेम टाइम आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए, सपोज कीजिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, टॉपिक का नाम लगाइए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फिर से, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यही हमारा आज का टॉपिक है। और अभी हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल को एक क्वेश्चन के थ्रू समराइज करने वाले हैं, तो ध्यान से उसको समझिएगा। सपोज करिए कि आपके पास एक एल्कोहल दे रखा है, सबसे पहले एल्कोहल को ध्यान से देखो ये क्या है, नाउ लुक एट इट, ये मैंने क्या किया, एक बेंजीन रिंग, उस पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके मैंने क्या लगा दिया, CH2 एंड देन OH, ठीक है,
ये मैंने यहां पर आपके पास एक स्पीसी दे दी, एक सबस्ट्रेट दे दिया। ध्यान से इसको देखिएगा, मैं आपसे कहूं कि इसकी डिग्री बताओ, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो क्या कहेंगे आप? तो देखिए, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है? OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से ज्यादा से तो नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप पहले डिग्री पहचानो। अगर आपने डिग्री नहीं पहचानी तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठोगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। तो यहां पर ये हमने क्या बना दिया है, 1 डिग्री अल्कोहल आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, मैं यहां पर हर एक चीज लिखता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। अगर मैं कहूं कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए, पूरे अल्कोहल को एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो मतलब क्या बनने वाला है, जरा चेक करिएगा। ये देखिए, यहां पर CH2OH पूरा का पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, यस और नो? सिर्फ बेंजाल्डिहाइड तक जाना चाहता हूं, इस सबस्ट्रेट से सिर्फ बेंजाल्डिहाइड की तरफ जाना चाहता हूं। ध्यान से इसको समझेगा, CH2OH इज कन्वर्टेड इनटू CHO, तो इसको बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड, ठीक है? मैं सिर्फ यहां तक जाना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए क्या करूं, बेंजाल्डिहाइड। सो पहला तो सवाल यह है कि बेंजाल्डिहाइड तक जाना चाहता हूं तो क्या करें। दूसरा, हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि यहां पर इस तरफ जाना चाहता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ कहां तक, बेंजोइक एसिड तक। ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा, ध्यान से इसको देखिए, CH2OH ग्रुप पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, COOH में, ठीक है? इसको बेंजोइक एसिड कहेंगे, सबको मालूम पड़ा? सो दिस इज बेंजोइक एसिड। सो 1 डिग्री अल्कोहल से मैं या तो बेंजाल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप में जाना चाहता हूं, उसके आगे नहीं जाना चाहता, या फिर सीधे बेंजोइक एसिड की तरफ जाना चाहता हूं, तो उसमें कौन कौन से यहां पर एरो पर मैं क्या लिख सकता हूं, रिएजेंट। सवाल यही है, कौन कौन से रिएजेंट मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं। इस OH ग्रुप को मैं ऊपर लगा देता हूं, एक काम करता हूं, क्योंकि मैं यहां पर लिखूंगा। अब ध्यान से इसको चेक करिएगा, आप एल्कोहल को या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर उसके आगे जाना चाहते हो और सीधे एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे और यहां पर क्या लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरो पे ध्यान से देखो, सारा काम अब क्या है, सारा काम सबसे पहले तो आपको सिर्फ ये पहचानना होता है कि भैया अल्कोहल का डिग्री क्या है, उसके बाद सारा काम रिएजेंट का है, सामने क्या लिखा है, जो सामने लिखा है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 डिग्री अल्कोहल से अगर आप एल्डिहाइड की तरफ जाना चाहते हो और एल्डिहाइड से आगे आप इसको प्रोसीड नहीं करना चाहते, सो आपको देखो किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट है ना यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है PCC, ठीक है? पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, और इवन इनफैक्ट इसके ऊपर तुम्हें अभी मैकेनिज्म कराऊंगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, द नेम ऑफ दिस रिएजेंट इज पिरिडिनियम, लिख लीजिए, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसके ऊपर तो मैं अभी मैकेनिज्म कराने वाला हूं। पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स होता है जो किस किस को मिला के बनता है। पिरिडिनियम का मतलब होता है C5H5N, ठीक है? एक तो इसको पिरिडिनियम बोलते हैं, इसको मिला के बनता है, प्लस क्लोरोक्रोमेट का सेंस समझिए, क्लोरो आएगा HCl से और क्रोमेट आएगा CrO3 से, इसको मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है जिसको हम लोग पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, जो बनता है पिरिडिनियम से, ठीक है, और यहाँ पर HCl से और यहाँ पर CrO3 से, इन सबको मिक्स करके एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है जिसको हम लोग पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में PCC लिखा जाता है। और इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, कि यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से कन्वर्जन होती है, उसकी मैकेनिज्म आज इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। बट एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट ये है कि अगर एरो पर PCC लिखा है तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड पर रुक जाएगा। सबको समझ में आ गया? आप कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप यही लें, यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्लियर हो गया? ये फिनाइल ग्रुप की जगह आप कुछ भी लगाइए, आपकी जो मर्जी है, वो सीधे सीधे ये जो ग्रुप है पर्टिकुलर, वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, ये तो एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए, ठीक है? सो इस तरफ आप कुछ भी लगाइए, यहां पर नीचे की तरफ, यहां पर CH3, ठीक है, C2H5OH, व्हाटएवर यू वांट टू, यू नो, यहां पर कुछ भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो इसके नीचे, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्रुप PCC की प्रेजेंस में CHO में कन्वर्ट होगा। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर मैंने आपको चीज बताई। कन्वर्जन कैसे होता है इसका PCC वाला मैकेनिज्म मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दूसरा और कौन सा हो सकता है यहां पे, यहां पर देखिए, अगर आपने
यहां पर CrO3 लिया, बट आपको ध्यान रखना है ये CrO3 कैसा होना चाहिए जो KLDH में कन्वर्ट करे, तो आप लिख लीजिए CrO3 होना चाहिए एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब होता है यहाँ वाटर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा CrO3 एनहाइड्रस। तो इसके लिए एक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं CH2Cl2, क्लियर हो गया, पानी नहीं होना चाहिए, प्रेजेंस अगर पानी की हुई तो ये एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप यहां पर ये जो आपके पास CrO3 दे रखा है उसके थ्रू भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एनहाइड्रस, ये आपके पास एनहाइड्रस CrO3 होना चाहिए, मतलब यहां पर पानी की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लो, मैं यहां स्टार लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर H2O, ठीक है, H2O मस्ट नॉट बी देयर, H2O मस्ट नॉट बी देयर, ठीक है। सो यहां पर H2O नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस CrO3 की प्रेजेंस में करा सकते हो, और अगर यहां आपको आपको सॉल्वेंट चाहिए तो आपको इस्तेमाल किसको करना है CH2Cl2, क्लियर हो गया। और अगर एरो पे सिर्फ अकेला ये भी लिखा है ना तो भी ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसा लिख दिया, सपोज करिए कि एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस CrO3, तब भी यही बनेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा ये CH2OH वाला ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाएगा CHO के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लो। सेकंड हुआ, नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड। अगर आप वन डिग्री अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसमें कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉपर का, हॉट कॉपर का, ठीक है, प्लस हीट का, हॉट कॉपर प्लस हीट वेपर, अगर आप इसकी वन डिग्री की वेपर यहां से निकालते हो तो कॉपर उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहां पर ये डी, यहां पर क्या होने वाला है, डीहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन हटेगा, डीहाइड्रोजिनेशन होगा, इसकी भी डिस्कशन हम करेंगे, मैं आपको इसके लिए अलग से यहां पर लिखवा दूंगा केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहां पर देखिए ये रिएजेंट है ना, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इनके थ्रू ये चीज इसमें कन्वर्ट होगी, अब नीचे कुछ भी लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान से इसको देखिए, अगर पीसीसी लिखा हो तो भी ये इसमें कन्वर्ट होगा, CrO3 एनहाइड्रस लिखा हो तो भी ये उसमें कन्वर्ट होगा, अगर CrO3 CH2Cl2 लिखा हो तब भी ये उसमें कन्वर्ट होगा, और अगर आपने कॉपर प्लस हीट लगा के रखा तो डीहाइड्रोजन से तब भी, डीहाइड्रोजन का मतलब ये है कि आप यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से हटा रहे हो, एक हाइड्रोजन यहां से डबल बॉन्ड लगा रहे हो, तब भी ये एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। तो देखिए कितना आसानी से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बता दिया कि यहां से यहां का कन्वर्जन कैसे होगा। अब हम बात करते हैं यहां से यहां का कन्वर्जन कैसे होगा, ये तो फुल ऑक्सीडेशन है, अब इसको क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, मैं लिख देता हूं। अगर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको ये सब चीजें चाहिए, अब आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको ये सब चीजें चाहिए, पीसीसी की जगह आप पीडीसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीसीसी जनरली लिखा हुआ मिलता है, लेकिन पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। अगर आप यहां पर फुल ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो तो इन दिस केस आपको क्या क्या चाहिए, जरा ध्यान से उसको चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप यहां पर एरो पर लिखा मिलेगा H2CrO4, बहुत ही फेमस है, ठीक है, यहां पर ये रिएजेंट जो कि आप सीधे सीधे किसको, वन डिग्री अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर होता है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि यही लिखा हो, ये जिससे बनता है वो भी लिखा हो सकता है, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है, और प्लस पानी प्लस वाटर, ये वाटर की प्रेजेंस यहां पर है, इसी की वजह से एक्चुअल में ये बना है, मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में यहां पर ये क्रोमिक एसिड बोलते हैं इसको, नाउ दिस वन इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड, तो क्रोमिक एसिड बना ही इससे है, सो क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में आप गारंटी है कि यहां पर ये जो वन डिग्री अल्कोहल है वो सीधे के सीधे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला और दूसरा हो गया, तीसरा आप यहां पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, KMnO4 एसिड की प्रेजेंस में ले लो, बेस की प्रेजेंस में ले लो, चलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही लेते हैं इसको, तो ये सारे के सारे जो रिएजेंट मैंने लिखे हैं यहां पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इसको इसमें कन्वर्ट करके देंगे, साथ में CrO3 प्लस यहां पर अगर H प्लस हुआ, ठीक है, वाटर हुआ, तो आप समझ लीजिएगा, ये देखिए दोनों में फर्क है, ये CrO3 H प्लस है, मतलब एसिड की प्रेजेंस है, एक्वस एसिड की प्रेजेंस है, तो ये इसमें ही कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर CrO3 के साथ पानी नहीं है, एनहाइड्रस है, तो फिर ये उसमें कन्वर्ट होगा। तो बस फर्क यही है, एनहाइड्रस है तो वो वहां जाएगा, और ये एनहाइड्रस नहीं है और वाटर है साथ में, एसिड भी है थोड़ा बहुत, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
सबको समझ में आ गया? तो ये ब्रीफ डिस्कशन मैंने कर दिया यहां पे, आई होप आप लोगों को अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, पीसीसी की तरफ, कि पीसीसी कन्वर्ट कैसे करता है, उसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। टिल देन इसका ध्यान से यहां पर शॉट, यहां पर क्या लो, स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज जो है वो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन करवाएगी। सबको समझ में आता है? सो चलिए आगे चलते हैं पीसीसी के मैकेनिज्म की तरफ विद अ क्वेश्चन, विद वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे। टिल देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, सो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताता हूं कि पीसीसी के थ्रू वन डिग्री एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो उसको मैं आप क्वेश्चन के थ्रू लेता हूं, जरा ध्यान से उसको समझिए, हमें करना क्या है, जरा उसको चेक करिएगा। वन डिग्री एल्कोहल लेना है, तो चलो मैं वन डिग्री एल्कोहल आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर एक और नए तरीके से उसको शो करते हैं ताकि आपको एक और क्वेश्चन समझने को मिले, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर वन डिग्री अल्कोहल लिया कुछ ऐसा, ध्यान से उसको समझिएगा। ये देखिए, इस बार मैं आपको यहां पर बेंजीन रिंग नहीं ले रहा हूं, इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर साइक्लोहेक्सेन ले रहा हूं, और उसमें एक हाइड्रोजन अगर मैं हटा के वहां पर मैं क्या करता हूं, ये देखिए यहां पर CH2 ग्रुप लगा देता हूं, ठीक है, और यहां पर एक ऑक्सीजन लगा देता हूं और साथ में एक हाइड्रोजन लगा देता हूं। ध्यान से इसको चेक करेगा, और इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, आप कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन डिग्री चाहिए आपको, ठीक है। सो यहां पर ये देखिए, ये CH2 एंड देन OH, इसको पूरे को कन्वर्ट करता है वो CHO। एक मजेदार सवाल है, बच्चे क्या है ना, ज्यादातर ध्यान से देखते नहीं है। अब ये तो वन डिग्री है, कैसे पता लगेगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वन डिग्री है। तो अगर 2 डिग्री हुआ तो, अब जरा ध्यान से इसको देखिएगा, अगर मैंने यहां पर इसकी रिएक्शन करवाई सपोज करो पीसीसी से, अब पीसीसी क्या होता है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप सिर्फ सीएचओ में कन्वर्ट होके रह जाएगा। तो मतलब फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है ये वाला, ध्यान से उसको समझिएगा, ये फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, चेक करिएगा, ये सीएचओ में कन्वर्ट होगा, ये चाहिए आपको, क्लियर हो गया। तो यहां पर CH2OH पूरा ग्रुप CHO में कन्वर्ट हुआ। पता है ऐसा एक मजेदार सवाल भी आया था, उसको पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए सेम उन्होंने क्या किया, एक साइक्लोहेक्सेन ही लिया, लेकिन इस बार क्या हुआ, उन्होंने सीधा ही यहां पर OH लगा दिया, ठीक है, बच्चों ने ध्यान दिया नहीं। अब यहां पर लिखा था पीसीसी, ठीक है, अब बच्चे हो गए एक्साइटेड, पीसीसी लिखा है, ये जो OH ग्रुप है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, बच्चे लिखकर क्या आ गए यहां पर, ये लिख के आ गए, जबकि गलत हुआ, ये नहीं बनेगा, बच्चे क्या लिखकर आ गए, ये गलत है। अब ऐसा क्यों, आप पहले पहचानो तो सही वो क्या है, वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, ये देखना जरूरी है। अब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो तो ये है, वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये तो 2 डिग्री हो गया। अब अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो चाहे आप कोई भी रिएजेंट लिख दो, मैंने कितने रिएजेंट लिखा है, वो सारे रिएजेंट अलग अलग हो जाते हैं जब 1 डिग्री लेते हो, 2 डिग्री केस में तो वो कीटोन ही बनाएगा, बात खत्म, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 डिग्री के केस में कीटोन ही बनेगा, 3 डिग्री तो ऑक्सीडेशन करवाएगा ही नहीं, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो टेंशन ही नहीं है, आता है समझ में, है तो सारा 1 डिग्री का खेल। तो 2 डिग्री के केस में यहां पर आपको कुछ नहीं सोचना, यहां कुछ भी लिखा हो, यहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, इसे कीटोन ही बनेगा, तो इसका कीटोन बनाना है आपको। ये बच्चे ज्यादातर गलतियां ऐसा करते हैं, तो फाइनली यहां पर एक्चुअल में आंसर बनना था कीटोन, मतलब ये बनना था, ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनना था, ये बना लेते हैं जो कि गलत है, क्लियर हो गया सब लोगों को। तो सारा खेल यहां पर 1 डिग्री का ही है, 2 डिग्री में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 डिग्री में आप कुछ भी लिख दो, जो आपकी मर्जी, मैंने इतने सारे रिएजेंट लिखे हैं, सब इसको इसी में कन्वर्ट करेंगे, कीटोन ही बनेगा, क्लियर हो गया। और 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। अब चेक करते हैं यहां पर ये यहां से यहां कैसे पहुंचा, उसके लिए हमें पीसीसी की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए पीसीसी क्या होता है, मैं यहां पर बनाता हूं पीसीसी को, तो देखिए पीसीसी मैंने आपसे क्या कहा था, याद करो, पीसीसी किससे बनेगा, पीसीसी के लिए आपको एक तो पिरिडीन चाहिए, पिरिडीन क्या होता है, C5H5N प्लस साथ में आपको HCl चाहिए रहता है, और प्लस साथ में आपको CrO3, इनका ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है पीसीसी। आप देखिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं इधर बनाता हूं, क्योंकि सारा खेल उसी का ही है। तो देखिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक बार यहां पे बना रहा हूं इसके जस्ट नीचे, तो सबसे पहले तो यहां पर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को बना रहा हूं, तो उसके अंदर एक तो होता है क्रोमियम, तो यहां पर मैंने बना दिया क्रोमियम, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये दूसरा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक जगह होता है क्लोरीन। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो बनता इससे है, तो वो होता कुछ यूं है कि क्रोमियम एक बार अपनी वैलेंसी क्लोरीन से पूरी कर रहा है, 2 जगह ऑक्सीजन लगा हुआ है, 1 जगह ऑक्सीजन और है, और यहां पर है माइनस का साइन,
और इस माइनस के साइन से अट्रैक्ट होकर कौन रुका हुआ है, यहां पर पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है जरा चेक करेगा, ये पिरिडीन है जिसमें टोटल 5 कार्बन होते हैं और रिंग के अंदर 1 नाइट्रोजन होता है, ये चेक कर लो, दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर ऑल्टरनेट यहां पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ये लीजिए। और यहां पर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पूरे के पूरे कंपाउंड को ही पीसीसी बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यहां पर इसी को पीसीसी बोला जाता है, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। नाउ दिस इज कॉल्ड पीसीसी। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा एक साथ रहता है। सबको समझ में आ गया? अब ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये जो क्रोमियम है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से लोन पेयर को यहां पर क्या करता है, एक्सेप्ट। अगर यहां पर क्रोमियम ने लोन पेयर एक्सेप्ट किए तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रोमियम 6 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है। तो होगा कुछ यूं कि ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब देखिए मजेदार बात, यहां पर भी बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है जिसको क्लोरीन कहते हैं। देखो क्लोरीन है कि नहीं है। अब पहले तो यहां से ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में। पहले ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई उसके साथ साथ यहां पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ। अब क्योंकि यहां पर अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन को फेंकता है और ये क्लोरीन यहां से अलग हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके। दोबारा समझाता हूं, मैंने दो स्टेप एक साथ ही लिख दिए यहां पर क्योंकि ये आसान है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्रोमियम को। ऑक्सीजन अगर क्रोमियम को डोनेट करेगा तो क्रोमियम को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है इसके जस्ट ऊपर लगा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वापस से बैक बॉन्डिंग करता है। वापस से जब बैक बॉन्डिंग करता है तो ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। सबको समझ में आ गया? तो यहां से मैं क्लोरीन को हटाऊंगा तो मैं जो कंपाउंड बन रहा है उसको नीचे बनाता हूं। एक तो Cl- की फॉर्म में निकल गया बाहर, दिखाई दे रहा है। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है बेसिकली वो जुड़ चुका है किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। अब इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है तो बनेगा क्या, उसको मैं नीचे बनाता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। ये तो हमारे पास है आपके पास साइक्लोहेक्सेन, सही है। उसके बाद आपके पास यहां क्या लगा हुआ है, एक कार्बन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सही है। उसके बाद आपके पास एक ऑक्सीजन है जिसने अब बड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने साथ जोड़ लिया है, और साथ में उसके पास एक हाइड्रोजन भी है। मैं उसको इस तरफ दिखा देता हूं। अब यहां पर ये जुड़ चुका है CR, ठीक है। अब CR ने क्या किया, क्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ दिए हैं, तो 2 ऑक्सीजन के साथ ये रे, ऑक्सीजन के साथ ये रहा, ये ऑक्सीजन वाले तो जिंदा है और ये ऑक्सीजन का और है, एक सी माइनस। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। बड़ा आसान, आपको लगे क्या बना है, कुछ नहीं है, आपको ये वाला पोर्शन उस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। अब जोड़ा है तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सबको दिखाई दे रहा है? अब समस्या ये हो गई, देखो इस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव। अब इसको क्या करना है, बेसिकली बहुत ही आसान है, यहां प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। अब यहां पर पहले तो इसको अपनी पॉजिटिव को खत्म करना है। क्लियर हो गया सब लोगों को? खत्म करने के लिए क्या करेगा, इसके पास सबसे आसान तरीका है कि ये जो क्या करे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, जिससे ये हाइड्रोजन एच प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये जब हाइड्रोजन एच प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा जो ये किसको मिल जाएगा, इस ऑक्सीजन को। ध्यान से इसको देख लो, दिख गया सब लोगों को? सो फाइनली यहां पर प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ और क्या बनेगा, मैं इस तरफ बना रहा हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करेगा। प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है तो सारा का सारा एज इट इज है, ध्यान से उसको देखिए। ये तो हमारे पास हो गया साइक्लोहेक्सेन, उसमें यहां पर है CH2, तो मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा देता हूं, अभी मैं इसका यूज करूंगा इसीलिए। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन जो है वो खत्म हो चुका है। क्लियर होता है सब लोगों को? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने खींच लिए, बॉन्ड टूट गया है वहां से, और साथ में क्या बना है, ये क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस क्रोमियम पे आ गया OH, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन हटा था वो किसको मिल गया, इस ऑक्सीजन को मिल गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन था, H+ की फॉर्म में बाहर निकला, वो इसको मिल गया, चिपक गया इसके साथ आके, ठीक है। अब वहां तक पहुंच गए हम लोग। अब देखो सीन कुछ ऐसा है, आगे क्या होने वाला है, जरा ध्यान से उसको चेक करो। अब क्या होगा, हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये आपका मेन ग्रुप है, उसके साथ पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बेसिकली एसिडिक होते हैं नेचर में, बहुत आसानी से H+ की फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, यहां पर, ध्यान से उसको देखिएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और कार्बन से ऑक्सीजन के बीच में इस हाइड्रोजन को, चलो मैं पीछे लगा देता हूं, ये देखिए एक ही बात है, पीछे लगाऊं चाहे आगे लगाऊं, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, दिखाई दे रहा है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड पहले से है, एक और बॉन्ड बनेगा, तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। इस केस में क्या करेगा, क्रोमियम दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लियर हो गया? दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
अब क्रोमियम अगर दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां से एक ऑक्सीजन और है जो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगी। दोबारा बताता हूं, ध्यान से इसको चेक करना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। एसिडिक हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहां पर एक और बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके पास, क्रोमियम के पास। और यहां से क्रोमियम के पास जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, एक पाई बॉन्ड और तोड़ेगा। तो जरा चेक करो क्या बन गया, एक तो आपके पास सीधे सीधे इस प्रोसेस में यह बन गया, क्यों, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन अलग हो गया तो यही बना ना। चेक करो CHO, ये लो, यहां पर ये ऊपर H है और यहां पर O है, क्या है, यहां से सीधे ये नहीं बन गया। चेक करो ये साइकिल, ये साइकिल, उसके बाद ये हाइड्रोजन तो हट चुका है, तो ये हाइड्रोजन क्यों हटा उसका रीजन भी बता देता हूं। पीछे Cl- होगा क्योंकि आपने HCl तो डाल ही रखा है, ये Cl तो है ही ना इसके पास। जरा ध्यान से इसको चेक करो, ये रहा, ये Cl- आता है इस पिक्चर में, जो कि इसको क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, इसको ट्रैक करेगा तो H+ की फॉर्म में यहां से बाहर निकलेगा, माइनस HCl यहां से बाहर निकल गया, दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां शिफ्ट हुए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां शिफ्ट हुए, तो ये कंपाउंड तो आपके पास तैयार हो गया जो मेन कंपाउंड था। साथ में और क्या बन रहा है जरा उसको चेक कर लो, एक तो कंपाउंड ये प्लस, साथ में यहां पर बनेगा ये क्रोमियम है ही, जिसमें एक ऑक्सीजन पे माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, एक ऑक्सीजन OH के साथ है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये ऑक्सीजन तो इसके साथ आएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसने खींचे हैं और एक डबल बॉन्ड से है। सबको समझ में आ गया फाइनली। अब इसको आगे जरूर है, हमें वैसे जरूरत नहीं क्योंकि हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके अंदर आपने एसिड डाल के रखा है तो एसिड से प्रोटॉन उसको मिल जाएगा, इसको और शांति आएगी। ये फाइनली क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको प्रोटॉन मिल गया H+ तो OH में, यहां पर फिर से OH होगा, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो फाइनली आपके पास एक तो ये बनेगा और एक आपके पास ये बनेगा जो आपका मेन प्रोडक्ट है। तो इस तरह से मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरा YouTube घूम लेना, कोई भी वीडियो देख लेना, पीसीसी के साथ कोई भी मैकेनिज्म नहीं बताएगा। सो फाइनली पीसीसी के साथ ये मैकेनिज्म है जो आपको मैंने यहां पर बता दी, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो, अगर मैं बात करूं इस क्रोमियम की, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सिक्स, काउंट करके देख लो प्लस सिक्स, क्योंकि एक एक तरफ क्लोरीन है, दो यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और एक ऑक्सीजन ये रहा, तो सभी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये प्लस सिक्स पर है, जबकि प्लस सिक्स से किधर चला गया, प्लस फोर पे। देखो इस तरफ इसने चार ही बॉन्ड बनाए, एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, दो ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो क्रोमियम खुद चला गया प्लस सिक्स से प्लस फोर की तरफ। तो जब क्रोमियम प्लस सिक्स से प्लस फोर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्रोमियम का तो क्या हो चुका है, रिडक्शन, क्लियर होता है। और यहां पर देखो आपने क्या बनाया, एल्कोहल से बनाया एल्डिहाइड, जिसका हो चुका है ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया सब लोगों को, आप खुद से निकाल के देखो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, अपने आप मालूम पड़ जाएगा, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में निकाल के बताया भी था। सो फाइनली गाइस, इस ऑक्सीडेशन से हमने क्या समझा, इस ऑक्सीडेशन से हमने ये समझा कि यहां पर अल्कोहल तो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एल्डिहाइड में, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करो, यहां पर क्रोमियम प्लस सिक्स पर था, प्लस सिक्स से चला गया वो प्लस फोर के ऊपर, ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट देखो क्रोमियम क्या बना रहा है, ये वाला, तो प्लस सिक्स से प्लस फोर, मतलब यहां पर क्रोमियम जा रहा है प्लस सिक्स से प्लस फोर, तो क्रोमियम का तो हो रहा है जी रिडक्शन, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। और जबकि यहां पर जो अल्कोहल है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, वो एल्डिहाइड में जा रहा है। सबको समझ में आ गया, तो इस तरह से अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का दूसरे का रिडक्शन होगा, और वही देखने को मिल रहा है। सबको समझ में आया, और एक काफी इंटरेस्टिंग यहां पर पीसीसी की ये जो मैकेनिज्म है आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये स्पेशल है, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पीसीसी का भूत भी निकलता है कि ये पीसीसी है, ध्यान से इसको देख लो, एक बार आपको ऑकवर्ड लगेगा लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। सो आप ध्यान से उसको देखो, और ये मैकेनिज्म है जिसमें पीसीसी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, कीटोन आगे एल्डिहाइड से वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकता। ध्यान रखिएगा यहां पर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद समराइज कराता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं, यहां पर फंडा सिर्फ वन डिग्री अल्कोहल का ही है। तो सबसे पहले जब अल्कोहल दिया हो ना, तो डिग्री पहचानो उसकी, वन डिग्री है कि टू डिग्री है कि थ्री डिग्री। अगर वन डिग्री है तो फिर तो आप देखो रिएजेंट को जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, और अगर टू डिग्री है तो रिएजेंट तो कोई भी लगाओ उससे कीटोन ही बनेगा, और थ्री डिग्री से तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं नॉर्मल कंडीशंस में। तो यहां पर सीन वन डिग्री का ही है, और ज्यादातर वन डिग्री पे ही दिया होता है। वन डिग्री से अगर पीसीसी लिखा तो एल्डिहाइड बनाओगे, और वन डिग्री से अगर आप H2CrO4 लिखा है तो फिर आप क्या बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको समझ में आ गया, रिएजेंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई दिए, क्लियर होता है सब लोगों को। तो यहां पर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने करी, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमें अब अल्कोहल की जो बाकी बची हुई चार केमिकल रिएक्शंस हैं वो खत्म करनी है।
छोटी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्कोहल को यहां पर स्पेशली वेपर ऑफ अल्कोहल को हॉट कॉपर से यहां पर पास करवाना है। अब इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, बेसिकली लिखो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ये इस नाम से बेसिकली जाना जाता है। बट फिर भी ध्यान से उसको देखिएगा, देखिए अल्कोहल तो हमारे पास तीन तरह का, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बहुत स्पेशल है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो हमें तीनों पर केमिकल रिएक्शन चेक करनी है। एक्चुअल में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आप जो भी ले रहे हो उसको वेपर फॉर्म में लो और उसको हॉट कॉपर से पास करवाओ तो क्या प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे, सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको लिखना कैसे केमिकल रिएक्शन को, सबसे पहले तो यहां पर आपको डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब बहुत ही साफ है कि आप कर क्या रहे हो अल्कोहल का, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटा रहे हो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है एक तरह से, और ऑक्सीडेशन आप अभी पढ़ के आए हो, ऑक्सीडेशन ही करवा रहे हो अल्कोहल का लेकिन कॉपर की प्रेजेंस में। तो आपको क्या करना है, सपोज कीजिए आप 1 डिग्री अल्कोहल लिया आपने, ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, ये ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन, और किसकी प्रेजेंस में कराते हो, कॉपर हॉट मतलब हीट लगा हुआ है, ध्यान से उसको देख लो। तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, ध्यान से इसको देखो, सपोज करो मैं यहां पर CH3CH2OH लेता हूं, ठीक है, दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर आपने हॉट कॉपर से इसको पास करवाया और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन तक होता है, सबको समझ में आ गया, तो इस केस में यहां पर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये देखो CH2OH यहां से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कैसे होता है इसके बारे में तो अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, क्लियर हो गया सब लोगों को। तो आपको यहां पर क्या करना है, डिहाइड्रोजिनेशन कुछ नहीं है, ध्यान से इसको देखो, एक हाइड्रोजन इसका है और एक हाइड्रोजन इसका है, ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे यहां से, कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली होगी, बस ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यही हमने किया है, सबको समझ में आ गया। तो यहां पर CH3CH2OH हॉट कॉपर से पास कराओगे तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन आपको हटाने हैं, उसकी जगह पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया पॉइंट ए, सबको क्लियर है सब लोगों को। तो यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कॉपर और हीट के थ्रू एल्डिहाइड बनता है, ये हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में लिखवाया भी था कि अगर आपको एल्डिहाइड तक रुकना है तो आप हॉट कॉपर से पास करवा दो, एल्डिहाइड तक रुक जाओगे, याद है, इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। Now this is a partial oxidation, ठीक है? ये last video में हमने देखा है। चलिए अब second chemical reaction की तरफ करते हैं move। अब आपने क्या लिया? मान लो कि 2 degree alcohol ले लिया। ध्यान से उसको देखना। और अगर 2 degree alcohol को फिर से copper लिया और temperature होता है 573 kelvin के around। So अगर यहाँ पर 2 degree alcohol copper और 573 kelvin इतना manage किया आपने तो ये ketone में convert होगा। कराना तो आपको oxidation ही है ना? समझ पा रहा है? So, कॉपर की प्रेजेंस में यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा, केटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, सपोज करो कि यहां पर आपने लिया CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH3 और उसके बाद यहां पर सपोज करो OH। ये देखिए अब ये जो कार्बन है जो ऑक्सीजन है दोनों के पास हाइड्रोजन है, इसको हटाना है आपको और इसको हटा देना है। तो दोनों को अगर आपने हटा दिया तो यहां पर एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो कीटोन ही तो बनेगा। तो जरा चेक करो ये कैसे होता है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में विद मैकेनिज्म बता चुका हूं, इनफैक्ट दो की मैकेनिज्म बता चुका हूं, एक भी नहीं। सो यहां पर आसानी से आप क्या कर सकते हो, कीटोन की फॉर्मेशन। तो ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये लो कीटोन की फॉर्मेशन हो गई, ये ध्यान रखना, ये वही चीज है दोबारा वैसा ही है, लेकिन क्योंकि कॉपर की प्रेजेंस में जो तीसरी रिएक्शन वो स्पेशल है। ध्यान से देखो, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के आगे नहीं जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन में, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में याद करो अगर आप पीसीसी लेते थे या फिर H2CRO4 लेते थे, KNO4 लेते थे, तब कुछ होता नहीं था, ऑक्सीडेशन 3 डिग्री अल्कोहल का पॉसिबल नहीं था। सो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री के बाद अगर 3 डिग्री को उसकी वेपर को हम लोग अगर कॉपर हॉट कॉपर से पास करवाएं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 डिग्री ले लेते हैं, ध्यान से उसको देखो, 3 डिग्री का मतलब क्या है कि कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हो वो खुद 3 कार्बन से अटैच हो। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने तीनों तरफ क्या लगा दी है, मिथाइल ग्रुप, ध्यान से देखिए। अब इनमें से कोई भी एक का हाइड्रोजन आप थोड़ा सा नीचे कर दो, मैं उसका लॉजिक बताऊंगा। ये देखिए एक ही बात है यहां पर, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल,
यस और नो, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सबको समझ में आ गया? अब यहां पर मेरे हाइड्रोजन को जैसे नीचे किया, आप समझ तो गए होंगे कि आप क्या करने वाले हो। देखिए यहां पर क्या हुआ था, सिर्फ 2 हाइड्रोजन हटे थे। 1 डिग्री गैस में 2 हाइड्रोजन हटाए, यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। 2 डिग्री गैस में यहां पे इसका और इसका हाइड्रोजन हटाया और यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है उनके हाइड्रोजन ही हटा रहे थे। ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन हटाए हैं। अब इस केस में क्या होने वाला है ना, हाइड्रोजन नहीं हटेगा, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। 3 डिग्री केस बहुत स्पेशल है क्योंकि यहां पर डिहाइड्रेशन होता है। आप लिख लो, यहां पर डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, H2O का रिमूवल होगा। अब देखिए, अगर इन दिस केस इसका वेपर आपने कॉपर, हॉट कॉपर से पास करवाया, 573 केल्विन है, तो ये वाटर का रिमूवल होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब यहां पर क्या बनेगा वो नीचे लिख देता हूं। ये देखिए CH3, उसके बाद CCH3 और यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन CH2। तो मतलब यहां पर एल्कीन बन जाएगी बच्चों, एल्कीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और आप इसको स्टार लगा लो, नोट डाउन कर लो। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से उसको देखो। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, दोबारा समझो। कॉपर की प्रेजेंस में यहां पर ऑक्सीडेशन ही करवाना है, जिसको हम लोग जनरली डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। यहां पर कॉपर की प्रेजेंस में जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और आगे नहीं जाएगा, मतलब ये पार्शियल ऑक्सीडेशन ही करवाएगा। सबको समझ में आ गया, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा यहां पर। ये मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था, जो लास्ट वीडियो आपने देखी है उसमें भी बताया था। उसके बाद यहां पर जरा गौर से देखो, ये तो हो गया 1 डिग्री के केस में जो कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री की बात करते हैं कि अगर आपने इसकी वेपर को कॉपर से पास कराया तो कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ये तो हम जानते हैं कि इसको ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। बट व्हाट अबाउट 3 डिग्री? 3 डिग्री की स्पेशल बात यह है कि अगर आपने इसको कॉपर ट्यूब से पास करवाया तो यहां पर एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर डिहाइड्रेशन होगा बजाय डिहाइड्रोजिनेशन के। अगेन ये रिएक्शन सही मायने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो यहां पर हमने खत्म की एक और केमिकल रिएक्शन, अब हम आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो गाइज, अभी हमने देखी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, हॉट कॉपर के साथ, कि हॉट कॉपर के साथ उनका ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा। सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आगे, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो लिखो रिएक्शन, अल्कोहल रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड, अल्कोहल रिएक्शन विद, ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मैंने आपसे कहा था कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जिससे रिएक्शन आप हर एक चैप्टर में पढ़ोगे। दिस इज RMGX विच इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसको जिसको नहीं पता है वो लिख लो, दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट की खास बात होती है एक, जरा ध्यान से उसको देखो। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो कि हमारे पास एक कोई अल्कोहल है CH3 एंड देन OH, ठीक है, हमने मिथेनॉल ले लिया और उसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट को भी थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, CH3MgX, ध्यान से उसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा चेक करो, मैं यहां पर थोड़ा सा क्लैरिटी कर देता हूं। ये है हमारे पास मिथेनॉल और वो है हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इनकी रिएक्शन करानी है आपस में, तो प्लस का साइन लगा देता हूं। तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट को देखो तो हमें पता है कि ये जो पार्ट होता है आपका, कौन सा, मैग्नीशियम वाला, ये तो होता है आपके पास पॉजिटिव, जबकि ये जो आपके पास ये वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है जबकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये हम पहले से जानते हैं। जिसको नहीं पता वो ध्यान से देख लो कि MgX वाला पार्ट जो है आपका वो पॉजिटिव होता है पार्शियली, और ये जो एल्काइल वाला पार्ट होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। जबकि इस केस में जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन बीच में है तो हाइड्रोजन वाला पार्ट भी पार्शियल पॉजिटिव है और ये मिथाइल वाला पार्ट भी पार्शियल पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन खुद कैसी है, पार्शियल नेगेटिव। अब सीन कुछ ऐसा है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा भाई, यहां पर तो पॉजिटिव दो दो है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, और ध्यान से इसको देखिएगा, हो सकता है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करे तो ये इसको अगर अटैक करती है, ध्यान से देखिए, नेगेटिव पार्ट अगर इसको अटैक करता है तो इस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा OH ग्रुप निकलेगा। इस केस में कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसे। पर ये भी तो पॉसिबल है कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इस केस में ये कैसे काम करेगा, बेस के जैसे, ध्यान से इसको समझिए।
ध्यान से देखिए, अगर इस नेगेटिव पार्ट ने इसको अप्रोच किया तो क्या होगा, अगर इस नेगेटिव पार्ट ने इसको अप्रोच किया तो CH3OH कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये CH3 जो नेगेटिव पार्ट है वो इसको अप्रोच कर रहा है तो ये OH ग्रुप निकलेगा। इस केस में ये कैसे काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा, क्लियर होता है। या फिर ये पॉसिबिलिटी भी बनती है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये CH3O और H जो लिखा हुआ है उसमें CH3 वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचे, जिससे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो जाए, ऑक्सीजन की तरफ। अब ये हाइड्रोजन को अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो अब ये कैसे काम कर रहा है, ये एज अ बेस, ये MgX को मैं यहां लिख देता हूं, अब ये एज अ बेस। खास बात ये होती है कि आपका ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, एज अ बेस भी। तो अब सवाल ये कि इस केस में वो कैसे काम करेगा, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। इस केस में वो एज अ बेस काम करेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि OH जो ग्रुप इस तरह का न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर काम करता है तो इसको निकलना था, बट OH ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये याद है मैंने आपको बताया था। सो इसके लिए आसान क्या है, इसके लिए आसान है कि हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचे। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, बहुत आसान है, देखिए ये CH3 उसके बाद O एंड देन H, और यहां पर क्या लिखा आपने CH3 उसके बाद Mg और X की जगह मान लो Br, और आपसे पूछा बताओ यहां क्या बनेगा। तो देखो जो नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट इसको अप्रोच करेगा तो यहां पर ये जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे, क्लियर हो गया सब लोगों को। तो क्या बनेगा जरा चेक करो, अगर ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट को अप्रोच कर रहा है तो एक तो CH4 बन गया, ध्यान से देखो मीथेन बन गया, सबको समझ में आ गया, और ये जो नेगेटिव पार्ट है वो चला गया Mg, ये देखो ये पॉजिटिव पार्ट था तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट है, ये पूरा नेगेटिव पार्ट इसके साथ चला गया, तो क्या बना लेगा ये MgOCH3, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा Br, बहुत इंपॉर्टेंट है जरा चेक करो। तो यहां पर मीथेन की फॉर्मेशन हो रही है, हमें इससे मतलब नहीं है, सो यहां पर मीथेन की फॉर्मेशन हो रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको गैस ही नहीं कर पाते। दोबारा समझाता हूं, अब इस केस में क्योंकि वो H+ को अपनी तरफ खींच के लेके जा रहा है तो ये कैसे काम कर रहा है, एज अ बेस काम कर रहा है बच्चों, एज अ बेस काम कर रहा है, और अब क्या दे रहा है मिथेन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिथेन दे रहा है, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब निकल कहां से रहा है, ये जो ये RMGX लिया उसमें ये वाला हिस्सा यहां से हाइड्रोजन को खींच रहा है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखो, सपोज करो कि मैंने यहां पर लिख दिया CH3 उसके बाद CH2 और उसके बाद CH2 और उसके बाद यहां पर OH, ये लिखा मैंने प्रोपेनॉन, और यहां पर अगर सपोज करो मैंने क्या लिख दिया, यहां पर सिर्फ मैंने CH3MgBr ही लिखा है, और मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा, तो मजे की बात है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन सा है, CH3 नहीं है, यहां पर जरा चेक करना CH3 ये वाला और ये हाइड्रोजन खींच लेगा, क्या बनाएगा CH4, मीथेन बनेगा, मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मीथेन है, और ये सारा का सारा नेगेटिव पार्ट किसके साथ चला जाएगा MgBr के साथ, दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिटरली ये बहुत ही कम लोग गैस कर पाते हैं इस चीज को। ये देखिए बाकी सारा का सारा पार्ट, ये पूरा का पूरा कितना है, कार्बन है आपके पास 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3, 2, 5 और 2, 7, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन पूरा का पूरा, साथ में Br, ये पार्ट एक साथ है, देखो जरा ध्यान से। तो हमारा मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, मीथेन, हमें इस पे फोकस करना है, क्लियर हो गया, और उसी से केमिकल रिएक्शन आगे जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको सेपरेटली करवा रहा हूं, ध्यान से उसको देख लो। अब ये एज अ बेस काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये कार्बन को अप्रोच नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता तो OH को निकलना पड़ता, विच इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। इस केस में हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, यहां का CH3 अगर हाइड्रोजन खींचेगा तो CH4 हमारा मेन ऑर्गेनिक ग्रुप होगा, बहुत मजेदार, बहुत ही ऑसम यहां पर एक केमिकल रिएक्शन है, सबको समझ में आ गया। और मैंने नीचे एक एग्जांपल और दिया है, अगर आपसे ये रिएक्शन और इससे रिएक्शन करने को बोले तो क्या बनेगा, तो मीथेन आपका मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाला नहीं, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे, हमें उसको काउंट करना है और उसी से आगे जाना है, और आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन दिख भी जाएंगी ऐसे प्रोसीड होते हुए, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो ये हमारा दूसरा केमिकल रिएक्शन, आप बची छोटी छोटी दो और केमिकल रिएक्शन, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे, ले लीजिए। सो अब बची हैं सिर्फ दो केमिकल रिएक्शन, वो भी बहुत ही छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन है जिसको एक साथ ही देख लेते हैं। सबसे पहले तो कौन सी बच रही है, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, लिखो रिडक्शन, ठीक है, बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल,
वो भी किसकी प्रेजेंस में, जरा चेक करना। अल्कोहल का रिडक्शन आपको करवाना है रेड फॉस्फोरस, ठीक है, प्लस एच आई, प्लस आपको हीट रखनी है। तो ये हर चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई प्लस हीट, अगर आप इसकी प्रेजेंस में अगर आप किसी भी अल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं तो क्या होगा, जरा चेक करो। रिडक्शन कराना है तो आप ये समझिए वहां लिखा नहीं होगा रिडक्शन, अगर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगे आप समझ जाना कि वहां पर रिडक्शन होने वाला है। सबको समझ में आ गया? तो जरा चेक करो, सपोज करो कि हमारे पास ये CH3OH, हमने मिथेनॉल लिया, आप कुछ भी ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रिएक्शन जरा देखो आपको किससे करवाना है। मैं यहां पर सबसे पहले लिखता हूं उसका रिएक्शन आपको एच आई से करवाना है, किसकी प्रेजेंस में करवाना है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाना है। और अगर आपको यहां पर हीट का सिंबल दिख रहा है तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। इस केस में आप तुरंत समझ जाएगा कि इसका रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से इसको देखो, येस और नो। अगर आप ऑक्सीजन को यहां से हटा देते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉज रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन यहां से हटी तो फिर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, तो इससे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या बन रहा है, जरा चेक करो, CH4 की फॉर्मेशन हो रही है। अब उस ऑक्सीजन का आप करोगे क्या, वाटर निकालोगे ना, तो यहां पर वाटर के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए, तो दो हाइड्रोजन प्लस ये ऑक्सीजन क्या बना लेगा यहां पर, H2O। और साथ में जरा चेक करो क्या निकलेगा, देखो यहां पर जरा चेक करना, यहां पर ट्वाइस ऑफ आई बाकी है तो I2 की फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। अब आप जरा चेक कर लो यहां पर ये बन गया, ये केमिकल रिएक्शन आपको साफ साफ दिखा रही है। अगर आपने रेड फॉस्फोरस HIO हीट रखा, उस केस में जो आपका मिथेनॉल है वो आपको क्या दे रहा है, मीथेन। अगर इथेनॉल होता तो क्या देता, इथेन। सबको समझ में आ गया, सिंपल केमिकल रिएक्शन बहुत ही आसान है। चेक हो रहा है सब लोगों को, क्लियर हो रहा है? तो यहां पर इस तरह से, इस वे से देखना है आपको, सबको ध्यान में। सो अगर आप देखो कि इसका रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। इस कार्बन ने तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो तीन माइनस हो गए, लेकिन एक ऑक्सीजन के साथ बनाया है तो यहां पर माइनस के दो ही बचे। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो कार्बन के ऊपर माइनस का टू है, चेक करो, कार्बन ने तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखे हैं, तो इसका मतलब तीन हाइड्रोजन के केस में तीन माइनस हुए लेकिन एक ऑक्सीजन के साथ बना, इस केस में प्लस वन होगा, तो ये कितना हो गया, माइनस का दो। जबकि इस केस में चारों हाइड्रोजन के साथ ही बना है, तो इस केस में अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो कितना आएगा, जरा चेक करो, दैट इज माइनस का फोर। अब आप खुद से चेक करो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है। यहां पर जरा चेक करना, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस दो से किधर चली गई, माइनस चार और घट गई, तो सामने वाले में किसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो आयोडीन को जरा चेक करो, आयोडीन माइनस के वन पर है, दिखाई दे रही है, यहां पर एच आई में आई माइनस के वन पर होती है, माइनस के वन से किधर चला गया, आई टू जीरो पर चला गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी का रिडक्शन होगा तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा, इस केस में यहां पर मिथेनॉल का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया? सो यहां पर मिथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, मीथेन के अंदर। तो ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। यहां पर काम की चीजें क्या हैं, एक तो आपको ध्यान रखना कि भैया आपने लिया क्या, एच आई, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस, और साथ में हीट का सिंबल। सब में यहां पर एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए जरा ध्यान से, अगर आपने यहां पे अल्कोहल लिया ROH और उसकी रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवाई, ये देखिए इस बार हम लोग ROH अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस रख रहे हैं, यहां पर एलुमिना Al2O3 की प्रेजेंस रखनी है, ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट करनी पड़ेगी तभी होगा, ठीक है। सो ध्यान से इसको देखो, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं, NH2 और यहां पर H। अब देखो बहुत आसान है, अब आपको साफ नजर आ रहा होगा कि यहां पर क्या होगा, तो यहां पर वाटर का रिमूवल होने वाला है, एलुमिना की प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल होगा, OH एंड H, वाटर निकलेगा तो ये R और NH2 क्या बन जाएगा, जरा चेक करो, दिस इज प्राइमरी एमाइन, नाउ दिस इज 1 डिग्री, और वी कैन से प्राइमरी एमाइन। सो यहां पर प्राइमरी एमाइन बन गया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब मान लो कि आगे अगर आप एक बार और ROH से इसका रिएक्शन करवा देते हो, तो जरा चेक करो, यहां से एक और हाइड्रोजन, ठीक है, मैं इस हाइड्रोजन को यहां लगा देता हूं। सो यहां पर क्या होगा, आप एक और हाइड्रोजन और ये OH बाहर निकाल दो, दिखाई दे रहा है, एक बार और यहां से H2O का रिमूवल हो गया, तो यहां पर देखो RNH और ये R जुड़ गया इसके साथ, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी एमाइन। जरा चेक करना, ये देखो, मतलब अब ये सेकेंडरी एमाइन कैसे हो गया, इस नाइट्रोजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी 2 डिग्री एमाइन हो गया। एक बार और करवा सकते हो, मान लो आपने एक बार और यहां पर अल्कोहल से रिएक्शन करवा दिया तो यहां पर ये हाइड्रोजन हटेगा, वाटर बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकला, क्या बनेगा, टर्शरी एमाइन। टर्शरी एमाइन मतलब नाइट्रोजन इस तरफ R, इस तरफ R और इस तरफ भी R, इसको 3 डिग्री एमाइन कहते हैं। तो यहां पर जरा गौर से चेक कर लो,
यहां पर लेकिन प्रेजेंस किसकी रखनी पड़ेगी तीनों केस में, मैंने लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं, इसकी प्रेजेंस यहां पर भी होगी, इसकी प्रेजेंस यहां पर भी होगी। दोबारा बोल देता हूं, अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई तो 1 डिग्री एमाइन, उसके बाद फिर 2 डिग्री एमाइन और फिर 3 डिग्री एमाइन तक आपको मिक्सचर मिलेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? लेकिन यहां पर प्रेजेंस किसकी रखनी पड़ेगी, Al2O3 हीट साथ में होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तभी यहां से OH का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। सबको समझ में आ गया? सो इस तरह से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल केमिकल रिएक्शन थी 4 जो कि हमने अभी खत्म कर ली। अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन यहां पर हो गई खत्म। अब हम किसकी तरफ मूव कर जाएंगे इसके बाद, फिनोल की तरफ। ठीक है, अल्कोहल यहां पर फिनिश हो गया और अल्कोहल एक लंबा सेक्शन था, फिनोल उससे छोटा है, ईथर और भी छोटा है। सबको समझ में आ गया? तो उसमें वक्त थोड़ा कम लगेगा। सो गाइज यहां पर हम लोग अब खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। और आपको पता ही है जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट यानी कि 11th का पोर्शन भी मैंने शुरू कर दिया है, जिसका एक लेक्चर। सो आपको पता है कि यहां पर मैंने मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, जिसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी कल अपलोड कर चुका हूं। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। सो 11th और 12th दोनों अब पैरेलली चलने वाला है। सो गाइस बने रहिए मेडिजी चैनल के साथ और देखते रहे इन वीडियोस को, शेयर कीजिए जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। और आप उन बच्चों को जरूर बताइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं गाइस। और आप यहां पर कोचिंग फ्री इंडिया के कैंपेन को हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं वाया पेटीएम डोनेट करके, वाया एनी सेंस आप डोनेट करके मेडिजी केमिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। सो चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।